हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तो नींद नहीं ना लग रहा है, है? नहीं लग रहा है। हालेलुया हालेलुया। अच्छा, हम सोचे थे कुछ और बताने का, लेकिन अब हम बताएंगे कुछ और। हाँ, कुछ और बताने का सोचे थे, लेकिन हम बताएंगे कुछ और। थैंक यू जीसस। तो अभी गाना कौन सा था? सत्य का, है ना? तभी हम क्या पढ़ा बता रहे थे, 16:7 यूहन्न का सुसमाचार 16:7 पढ़ना है। पर वचन को जो भी पढ़ रहे थे लास्ट टाइम। फिर भी मैं तुम लोगों से सच कहता हूँ, बोलो फिर मैं तुम लोगों से सच कहता हूँ, तुम्हारा कल्याण इसी में है, तुम्हारा कल्याण इसी में है कि मैं चला जाऊँ, यदि मैं नहीं जाऊँगा तो सहायक तुम्हारे पास नहीं आएगा, यदि मैं जाऊँगा तो मैं उसे तुम्हारे पास भेजूँगा। हालेलुया हालेलुया। तो अगर हम मानवीय विचार से देखते हैं, मानवीय मतलब हम लोग जो अपना लाइफ जी रहे हैं, है ना, अपना हम लोग का जो विचार है, उस विचार से अगर हम देखते हैं तो हम लोग यीशु को जाने देंगे? हाँ, मान लो कि हम हैं वहाँ पे और यीशु बोल रहा है कि नहीं नहीं हम जाएंगे और मेरे बदले में दूसरा सहायक भेजेंगे और हम उसके साथ में रह करके सब चिन्ह चमत्कार हम देख लिए हैं। अब यीशु बोलेंगे कि नहीं नहीं अब हम जा रहे हैं और तुम्हारे लिए हम दूसरा सहायक भेजेंगे, तो आप एक बार के लिए उसको एक्सेप्ट कर पाओगे? क्या बोलोगे आप? अरे नहीं नहीं, आप हैं तो क्या जरूरत है दूसरा, आप हैं तो सब ठीक है। लेकिन प्रभु यीशु यहाँ पे बताता है, बोलता है कि इसमें आपका कल्याण है। बोलता है किसका कल्याण है? कैसे हमारा कल्याण है? वो ज्यादा अच्छा सोचता है कि हम ज्यादा अच्छा सोचते हैं? वो ज्यादा अच्छा सोचता है ना। हम लोग का सोच कहाँ तक रहता है? हम लोग कहाँ तक सोच सकते हैं? जितना हमारा ज्ञान है। अब हम ज्ञान कहाँ से पा रहे हैं? है ना, इतने ना है। यानी हम जो हमारा जो ज्ञान है, हमारा ज्ञान लिमिटेड है। लिमिटेड मतलब कि सीमित है, हम वहीं तक सोच सकते हैं। लेकिन ईश्वरीय ज्ञान अनलिमिटेड है, कोई सीमा नहीं है। उसको तुम जितना सीखना चाहो उतना तुम सीख सकते हो, उतना तुम उसको जान सकते हो। मेरा बात को समझना जी। यीशु बोलता है कि इसमें आपका कल्याण है कि मैं वहाँ जाऊँ, अगर वो जाऊँगा तो मैं तुम्हारे लिए सहायक भेजूँगा। सहायक कौन है? आपको मिला है? मिला है कि नहीं मिला है? मिला है, फिर बुलाओगे? हालेलुया थैंक यू। देखो मैं ऐसे नहीं करना है, मैं बोला ना, मैं शुरू से बोला मैं बताने आया हूँ। अब देखो बता रहा हूँ। मान लो कि आपके बच्चे लोग कहीं बाहर पढ़ रहे हैं, ठीक है, बच्चे लोग बाहर पढ़ रहे हैं, अब बोला कि हमको फीस चाहिए, तो आप बोलेंगे ठीक है मैं खाता में डाल दे रहा हूँ, है ना, अपने बच्चे के खाता में डाल दिए। और उधर से आपका बच्चा फ़ोन कर रहा है, पापा पैसा दो फीस देना है, तो आप बोल रहे उसका पापा बोल रहे हैं कि अरे तेरा खाता में तो डाल दिए, निकाल लो और दे दो। बोलता है अरे नहीं दिए हो, दोनों पैसा बोल रहा है, अरे डाल दिया तेरा खाता में, ठीक है, और क्या बोल रहा है हमको मिला ही नहीं है, और वो डाल दिया किस में? खाता में। मेरा बात समझो, है ना, कि आपको दे दिया गया है ना, आपको वो चीज़ दे दिया गया है, लेकिन आप क्या बोल रहे हो हमको नहीं मिला है। भाई तुमको मिल गया है, अब उसको निकालने का तरीका क्या है? बैंक जाओ, चेक भरो, या ATM जाओ, ATM से निकालो, यही ना तरीका है। अब तुम बोलोगे हमको पैसा तो मिला नहीं है, अरे भाई पैसा तो डाल दिए हैं, ठीक है। ठीक वैसे ही क्या बताने जा रहा हूँ, पवित्र आत्मा का ना, नहीं उससे पहले क्या बोला था, हाँ, यानी कि यीशु जो हमको बता रहा है वो लिमिट नहीं बता रहा, असीमित है ना, और वो पावर आपके अंदर में वो दे दिया है। बोला ना कि मैं जाऊँगा और तुम्हारे लिए वो सहायक
भेजूंगा। तो सहायक किधर? आपके किसके अंदर? हमारे अंदर। तो ये काम कौन करेगा? आप कि आपका अंदर वाला कि कौन काम करेगा? अंदर वाला कि आप करोगे? अंदर वाला ना, आप करोगे? आप कर सकते हो? क्या नहीं कर सकते? वो है, वो आपको कराएगा। सही, मौका किसको देना है? हमको देना है। हमको ना उसको लाना है, उसको ना हमको देना। लेकिन हम ज्यादातर समय क्या करते हैं? तुम रहो, हम देख लेंगे। ऐसा होता कि नहीं होता? होता कि नहीं होता? देखो, वो तुमको इसी से सिखाएगा भाई, इससे बाहर नहीं सिखाएगा। अब वाला प्रभु का वचन बोलता है, वचन बोलता है कि एक गाल में पड़े तो दूसरा गाल दे दो। वचन बोलता है तो पवित्र आत्मा तुमको यही ना बोलेगा? देखो, वचन ये बोलता है कि तुमको प्रेम ही देना है, ठीक है? ये वचन बोलता है। लेकिन आप क्या बोलोगे? ये कैसे हमको छू लिया? ये हिम्मत कैसे आया? ठीक है, ठीक है ना? तो आप किसके विरुद्ध हो? पवित्र आत्मा को आप रोके ना वहां पे। तुम बैठो, हम देख लेंगे। ये मेरा बस का, मेरा कंट्रोल है। आइए ना, होता है कि नहीं होता है? हम मौका उसको नहीं देते, हम उसको सुनना नहीं चाहते। जब आप उसको सुनोगे तो वो आपको बताएगा। आप बोलोगे, अरे कैसे बात करता है पवित्र आत्मा? पवित्र आत्मा कैसे बात करेगा? कैसे बात करेगा पवित्र आत्मा? अगर आपसे बात करे तो कैसे बात करेगा? ऐसे फिजिकली कैसे बात करेगा? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सीख लोगे, समझ लोगे, लाइफ चेंजिंग है। हालेलुया। हाँ, तो कैसे बात करेगा पवित्र आत्मा आपसे? प्रेरणा कैसे देगा उसको? प्रेरणा देगा तो ठीक है, कैसे देगा? तुम्हारे अंदर भी तो कुछ होना चाहिए। तुम खाली रहोगे तो कैसे तुमको प्रेरणा देगा? कैसे बताएगा तुमको? यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 15। पवित्र आत्मा के साथ आप कैसे जीवन जियो? पवित्र आत्मा मिला है कि नहीं मिला है? मिला है ना? उसके साथ आपको जीवन जीना है ना? उसी के साथ ना जीना है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हाँ, एक मिनट। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ये 14:26। हाँ, 14:26 में आइए। हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कि टॉपिक चेंज कर दें, अच्छा लग रहा है? देखो, वो सहायक तुमको मिला है आज तक, उसके साथ में तुम जिए नहीं। उसके साथ में कैसे तुमको तालमेल बनाना है वो बता रहा है। पढ़िए। परंतु वह सहायक, बोलो, वह पवित्र आत्मा, वह पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम पर भेजेगा, तुम्हें सब कुछ समझा देगा। मैंने तुम्हें जो कुछ बताया वह उसका स्मरण दिलाएगा। कौन स्मरण दिलाएगा? तो आप बोले ना, पवित्र आत्मा प्रेरणा देगा। तो कैसे प्रेरणा देगा आप बताओ? वो किसकी बात को बताएगा? हाँ, यीशु जो दिया है वचन, उसी के द्वारा ना बताएगा? हाँ, अब यीशु कहाँ मिलेगा? ये क्या है? हाँ, बाइबल। तो ये क्या है लिखा हुआ? क्या है? स्वयं प्रभु यीशु है। आप लोग विश्वास करने से क्यों रुक गए हो रहे हैं? मैं बताया था ना, आदि में शब्द और शब्द, आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ईश्वर था। 14 वचन में क्या बताया था? शब्द ने शरीर धारण किया और हमारे बीच में निवास किया। तो यीशु का ओरिजिनल फॉर्म क्या था? ओरिजिनल क्या था? शब्द। शब्द ना होना बॉडी। अरे भाई, उसका वास्तविक रूप क्या था? शब्द था ना।
शब्द बना बॉडी, तो यह शब्द ये हुआ प्रभु यीशु। और पवित्र आत्मा तुमको किससे बात करे, प्रेरणा किससे दे, उसके शब्द से। तो इसको शब्द को तुमको कहाँ रखना पड़ेगा, किधर है फिर, हाँ कहाँ मन बोली, अच्छा वैसे कुछ सुनाई दी हमको, मन हृदय, हृदय में रखना, कहाँ रखना है, कहाँ रखना है, तो शब्द को हमको कहाँ रखना है। अब हृदय में तुम क्या रखते हो, क्या रखते हो, गुस्सा, नफरत, क्रोध, ईर्ष्या, इसको निकालो और इसको रखो, ठीक है। अब हम तरीका बता दे रहे हैं कि आप बोलोगे कि नहीं आज के बाद हम प्रभु का वचन रखेंगे, कभी नहीं होगा। तुम खुद से करोगे तो गिरोगे, लेकिन उसको सहारा लोगे, उसको आप उसको बोलोगे, सुनोगे। देखो आपको करना क्या है, मैंने बोला आपको कि इसको बोलना है, सुनना है, वो अपना काम करेगा। मैंने क्या बोला, खाना खाते हो अंदर जाता, देखे हो पछते, तुम लोग पचाते हो नहीं ना, वो अपना जाके अपना काम करता है ना। बस आपको इसको लेना है और इसको अंदर लेना है, ठीक है। अंदर लेके यहाँ पे रखना है, गाय को देखे हो घास चबाते हुए, हाँ देखे कि नहीं देखे, कैसा चबाते रहती है और मुँह में रखती है, ठीक है, चबाते रहती है। और कहाँ चीज़ अंदर जाता है, पूरा रस चल जाता है ना घास का, फिर भी वो चबाते रहता है, ठीक वैसे ही है। ये प्रभु का सब जो है ना भोजन है, भोजन बोलता है ना, मेरा मेरा शरीर तुम्हारे खाने योग्य भोजन है बोलता है, हालेलुया, ठीक है। तो ये है भोजन, इसको खाओ, यहाँ रखो और चबाते रहो। कैसे चबाओगे, चलते रहना चाहिए दिन भर, मुँह से इसको बोलते रहो, अंगीकार करते रहो। अरे मैं तो आपको एक नहीं बोलता हूँ कि आप यही बोलो, जीसस मुझसे बहुत प्यार करता है, इतना ही बोलो, इतना भी बहुत काम हो जाता है ना। आप जब कभी भी उसके शब्द को बोलते हो, ठीक है, तो आप उसको कार्य करने का मौका देते हो, ठीक है। अभी हम क्या बताते हैं, पवित्र आत्मा क्या करता है, हमको बताता है। तो पवित्र आत्मा हमसे बात करता है, तो प्रभु बोलता है कि मैं जाऊंगा तो तुम्हारे लिए वो सहायक भेजूंगा, ठीक है। अब उस सहायक को आपको बात करना है, उसी के अनुसार आपको चलना, वो बताएगा आपको। कभी बोले हो पवित्र आत्मा अभी हम जा रहे हैं रास्ता में, थोड़ा सब्जी खरीदने जा रहे हैं, थोड़ा मदद करना, बोले हो कभी, है बोल के देखिए, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, बोलो ना एक बार, पवित्र आत्मा मेरे को मदद करना, मैं सब्जी खरीदने, सड़ल सड़ल सब्जी ना आ जाए, ठीक है। तो बोले पवित्र आत्मा कहीं मार्केट जा रहे हो, देखो ये बात ऐसा कौन लोग हंसेगा बता दे, ऐसा बात में जो थॉमस विश्वास वाला बोलते हैं, थॉमस वाला क्या बोलता है, जब तक देखूंगा नहीं तब तक छूंगा नहीं तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा, ये है थॉमस विश्वास। फिर अब्राहम विश्वास कैसा रहता है, बस वो बोलता है और हम सुनते हैं और हम उसमें विश्वास करते हैं, इसको बोलते हैं ईश्वर वाला विश्वास, ठीक है। तो आप पवित्र आत्मा से बोलोगे, उससे हेल्प लोगे, तो वो तुमको मदद करेगा, लाइफ एकदम, हाँ ये बात तो पॉइंट में लाई, क्या बोलो परफेक्ट। तो क्या लगता है क्रिश्चियन जीवन एकदम परफेक्ट होता है, नहीं। कैसा होता है, दुदे ही होता है, कैसा होता है, कैसा होता है क्रिश्चियन जीवन, कैसा होता है ख्रिस्ती जीवन, इंजॉयमेंट वाला है, है? 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 खाओ पियो एवरीडे ईस्टर और क्रिसमस होता है, सोचते हैं। लेकिन हम एक बात बता दें, एक ख्रिस्ती जीवन आप बोलोगे कि एकदम हाईवे में चलने वाला एकदम स्मूथ हो जाएगा, तो आप सबसे बड़ा गलत फहमी में। एक ख्रिस्ती जीवन, एक सच्चा ख्रिस्ती वही होता है जो अपना कंफर्ट जोन को छोड़ करके डिसकंफर्ट जोन में आता है। किसके लिए, अपने लिए नहीं दूसरे के लिए। मैं अपना बड़प्पन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं एक बात बता दूँ, मेरा भी लाइफ तो ऐसे ही था, हम भी तो वैसे ही जी रहे थे। छुट्टी का दिन था, घर में रहते मस्त चिकन मटन बनाते हैं, काहे के लिए आए, कितना किलोमीटर, 200 किलोमीटर, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, ठीक है। शाम में ड्यूटी किया, उसके बाद गाड़ी पकड़ के आ गए, ठीक है। काहे के लिए आए, कहे कि मैं जानता हूँ ये लाइफ से मज़ा और कोई दूसरा लाइफ है ही नहीं, कहे कि जैसा मैं लाइफ जो जी रहा था उसमें तो हमको कोई चांस ही नहीं था,
ये पृथ्वी हमारा परमानेंट घर नहीं है, वो ओरिजिनल घर वहाँ है, वहाँ जाना, वो वहाँ का तैयारी करना है। यहाँ मत सोचो कि तुम यहाँ अच्छा घर और ये बना लेंगे, मस्त मजे में बिताएंगे, है ना। बहुत सारा दृष्टांत प्रबल है जहाँ प्रभु यीशु बोलता है ना कि उसने सब चीज़ तैयारी कर लिया और अगला दिन ऊपर चल गया, है ना। तो पूरा जो इकट्ठा किया क्या वो ले पाए, ठीक है। तो ख्रिस्तीय जीवन में तुमको यही इंजॉयमेंट करना है, कंफर्ट जोन। आप बोलो कि हम बहुत आराम से मजे में, ऐसा नहीं है, है ना। आपको डिसकंफर्ट होना, दूसरे को कंफर्ट देना है, चाहे आप ऑफिस में हो, स्कूल में हो, कहीं पर भी हो, ठीक है। तब आप एक सच्चे ख्रिस्तीय हैं। मेरा गुरु जब दूसरों के लिए जीवन जिया तो हमको कैसा जीवन जीना चाहिए, उसी के अनुसार ना। वचन में लिखा है, 1 पीटर 2:21 पढ़ोगे उसमें लिखा हुआ है, 1 पत्रस 2:21 में लिखा हुआ है, हमको उसका अनुसरण निकालोगे नहीं तो फिर बोलेंगे कि ऐसे ही बोल रहा था, बोलेंगे क्या। हालेलुया, चलो 1 पत्रस 2:21, थैंक यू जीसस, हालेलुया। टॉपिक चेंज करो, मजा आ रहा है। इसीलिए तो आप बुलाए गए, किसलिए बुलाए गए हैं, इसलिए बताओ तो किसलिए, क्योंकि मसीह ने आप लोगों के लिए, मसीह ने आप लोगों के लिए दुख भोगा और आपको उदाहरण दिया जिससे आप उनका अनुसरण करें। किसका अनुसरण करोगे, मेरा अनुसरण करोगे, यीशु का अनुसरण करना है। और यीशु का किया, अरे का किया यीशु, खुद क्रूस पे चढ़ा के सामने वालों को चढ़ा दिया है, खुद चढ़ा ना, नहीं चढ़ा, अरे चढ़ाएगी नहीं चढ़ाए ना। तो हम लोग किसको चढ़ाते हैं जब आपके साथ में कोई बुराई करता है तो आप किसको क्रूस में चढ़ाते हो, खुद चढ़ते हो कि दूसरे को चढ़ा देते हो। यही जो गलती हो रहा है, मिस्टेक यही हो रहा है ना। हाँ, आप बोलोगे कि हम कैसे चढ़ सकते हैं, तो अपने से आप कोशिश करोगे तो कभी नहीं चढ़ पाओगे। मैं आपको बता दिया, आप चढ़ोगे तो इसी के द्वारा, यीशु के द्वारा ही चढ़ सकते, उसी का वही पावर और सामर्थ देगा, ठीक है, वही पावर सामर्थ देगा जिसके द्वारा आप क्रूस पर चढ़ोगे। और जब आप क्रूस पर चढ़ोगे तब आप यीशु के जैसे हो गए, मतलब अभी आप में जो पावर और सामर्थ आ रहा है यीशु का है। अब कार्य कौन करेगा, प्रभु काम करेगा जब तुम चढ़ोगे तब। अब तुम खुद में नहीं चढ़ोगे, तुम बोलोगे हम सामने वाला को चढ़ा देंगे, तो अब काम कौन करेगा, शैतान काम करेगा। अभी तुम हार जाओ, हालेलुया, थैंक यू जीसस, क्लियर है ना। ये ऐसा कहे हो रहा है, ऐसा कहे हो रहा था है, कुछ तार उलूस था क्या। देखो उदाहरण है, तार क्या था, लूज है, कनेक्शन ठीक रहने से आवाज कर रहा था, नहीं कर रहा था। वही कनेक्शन आपको परमेश्वर के साथ बनाना है। अगर कनेक्शन एकदम तगड़ा रखोगे तो तुम्हारा एकदम सब कुछ स्मूथ आ रहा है ना, ऐसे ही आएगा। और अगर कनेक्शन ठीक नहीं रहा तो वही बात गुड हालेलुया, समझ गए ना बात को। हाँ, तो ये कनेक्शन हमको बनाना है पवित्र आत्मा परमेश्वर के साथ। तो अभी हम क्या क्या सीखे, अभी कौन सा वचन था, 14:26 था ना, जहाँ बता रहा है कि परंतु वह सत्य का आत्मा आएगा जो तुमको बात बताएगा। और कौन सा बात बताएगा, जो यीशु दिया है वही बात को बताएगा, कोई दूसरा बात नहीं बताएगा। समझ में आया, क्लियर है यहाँ पे। तो यीशु इसीलिए बोलता है कि मेरा जाने में तुम्हारा कल्याण है। अरे बाप रे, कैसे कल्याण है, अरे मेरे साथ में रह रहा था, अच्छा काम कर रहा था, सब चीज़ बढ़िया चल रहा था, बोलता है कि मैं जा रहा हूँ, मैं भेजूंगा सहायक, उसके बाद क्या बोलता है, वो तुम्हारे लिए कल्याणकारी होगा, तुम्हारे लिए अच्छा होगा, ये बोल रहा है, ठीक है, क्लियर है ना यहाँ पे, है ना। तो ये हमारे लिए फायदेमंद है। तो उसने किसको भेजा, पवित्र आत्मा को। तो पवित्र आत्मा ऐसे खाली साधारण है क्या, कौन है,
कौन है? कौन है पवित्र आत्मा? कौन है पवित्र आत्मा? ईश्वर है। ठीक है, अब चलो हम इसको सीखते हैं कि वो ईश्वर जब हमारे साथ आता है तो हमको कैसे मदद करता है, कैसे हेल्प करता है। पहला होता है कंफर्टर, सांत्वना देने वाला ईश्वर। पढ़ना 2 कुरिन्थ 1:3 पढ़िएगा, ध्यान देना और समझना। ठीक है, मैं ये बात बता रहा हूँ। हम बोले कि ईश्वर का शब्द क्या है? सामर्थी है ना, जीवन और आत्मा देता है, हम बोले ना। तो अगर मैं भले ही कुछ दूसरा बात को नहीं बता रहा हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ परमेश्वर का शब्द ही बता रहा हूँ। ठीक है, तो कोई भी शब्द आप जब आप सुनते हो उसका हर एक शब्द में सामर्थ होता है। तो आप ऐसा मत सोचो कि मैं इसको सुनने से कोई फायदा है क्या, ऐसा मत सोचो। वो जो शब्द आप जो सुन रहे हो उसको अगर आप समझते हैं तो उसी वक्त भले ही आप यहाँ बैठे हैं आपका जो भी प्रॉब्लम और समस्या है वहाँ हल हो गया है। ठीक है, ये है उसका पावर, है ना। ऐसा नहीं है कि तुम वहाँ जाओगे अरे क्या बोलते हैं वित्तीय प्रार्थना करोगे। अब जैसे हीलिंग का एक वचन मिल गया कि यीशु के घाव के द्वारा मैं चंगा हो गया, है ना। तो जरूरी नहीं है कि तुम ये शब्द को नहीं बोलोगे, ये वचन को नहीं बोलोगे तो तुम चंगे नहीं होगे, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, कोई भी शब्द उसका पवित्र आत्मा तुमको बोलेगा कि ये शब्द बोलो तो तुम वो शब्द बोलोगे और तुम चंगाई को पा जाओगे। ये है पावर, ये है पवित्र आत्मा तुमको जो गाइड करता है। हालेलुया, पढ़िए पढ़िए। धन्य है ईश्वर, धन्य है ईश्वर हमारे प्रभु ईसा मसीह, हमारे प्रभु ईसा मसीह, हमारे प्रभु ईसा मसीह का पिता, हमारे प्रभु ईसा मसीह का पिता, परम दयालु पिता, परम दयालु पिता, और हर प्रकार की, हर प्रकार की सांत्वना का ईश्वर। सांत्वना, ये कंफर्टर मतलब होता है सांत्वना, सांत्वना का ईश्वर। सांत्वना मतलब जानते हैं? हाँ, क्या क्या क्या? हाँ, दिलासा देता है। जब आप कभी फेल होते हो, असफल होते हो, है ना, या आपके साथ कोई अप्रिय घटना होता है जिसके द्वारा आपको दुख होता है ना, और या फिर कुछ भी चीज़ ऐसा होता है, तो वो कैसा है? कंफर्टर है। कौन कौन कंफर्टर है? पवित्र आत्मा। वो आपको कंफर्ट देता है, कंफर्ट मतलब आपको सांत्वना देता है। जैसे अगर मान लीजिए आप बीमार हो, मान लीजिए कि आपका कोई समस्या या प्रॉब्लम है, ठीक है, तो पवित्र आत्मा कौन है? कंफर्टर है। कंफर्टर मतलब कि वो आपको सांत्वना देता है उस मुश्किल घड़ी में भी, उस समस्या के समय में भी। ठीक है, तो उस समस्या में के समय में जब आप प्रॉब्लम में रहते हैं तो वो आपको शांति देता है, मतलब कि वो आपको दिलासा देता है, आपको ढारस देता है, आपको हिम्मत देता है। ठीक है, अब जब वो हिम्मत देता है उसी हिम्मत से आप उस समस्या से बाहर निकलते हो। क्लियर है? क्लियर है, समझ में आ रहा है? अब देखो एग्जांपल, मैं क्या करता था? नशा करता था। मेरी वाइफ क्या करती थी? वचन देती थी, वचन को बोलती थी। वो वचन जो है मेरे जीवन में काम किया कि नहीं किया? काम किया। तो उससे देखो कोई भी चंगाई या हीलिंग जो कुछ भी है वो ईश्वर के सामर्थ्य से होता है। इतना जान लेना कि जब वो चंगाई हुआ है ना तो उसमें परमेश्वर का सामर्थ्य उतरा। हाँ, अब वो उस सामर्थ्य का इस्तेमाल क्या मैं चीज़ में करती, ये बहुत इम्पोर्टेंट है ना। अगर वो चंगाई को लेकर अपना घर चली जाती है कोई फायदा नहीं, लेकिन अगर वो उस चंगाई को गवाही देती है, टेस्टिमनी देती है, किसी और को बताती है, तो उसी कंफर्टर से दूसरा वाला भी चंगा हो जाता है, क्योंकि उसमें क्या हुआ है? चंगाई मिला है, मतलब ईश्वर का अभिषेक उसमें उतरा है। तो जब हमको वो सांत्वना जो मिला है उसी सांत्वना को लेकर के हम दूसरा को भी दे सकते हैं। ये होता है ईश्वरीय प्रेम। और ये कौन दे रहा है? पवित्र आत्मा। कौन है? पवित्र आत्मा। तो पहला क्या सीखे? कंफर्टर। क्या है? सांत्वना देने वाला ईश्वर। हालेलुया। तो कैसा है पवित्र आत्मा ईश्वर? बहुत प्यारा है, छोड़ता नहीं है ना,
सांत्वना देता है, यानी तुम दुख तकलीफ में रहोगे तो तुमको छोड़ के नहीं जाएगा, लेकिन तुमको जानना है उससे कि वो कैसे कंफर्ट देता है। हम लोग छोड़ते हैं, वो नहीं छोड़ता है। हम लोग प्रार्थना क्या करते हैं, हम लोग प्रार्थना भी क्या करते हैं कि मेरे साथ चलना प्रभु, गाना भी है सर ना, हाँ बोलते हैं प्रभु को मेरे साथ चलना। अरे प्रभु तो तेरे साथ चल रहा, तुम देखो कि तुम प्रभु के साथ चल रहे हो कि नहीं। हालेलुया, है ना, समझ रहे हो बात को। तो कंफर्टर यानी कि पवित्र आत्मा परमेश्वर हमको कंफर्ट देता है, सांत्वना देता है, ठीक है। ये है होली स्पिरिट का पहला, क्या बोलते हैं उसको, फायदा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। चलिए दूसरा जाइएगा। अच्छा, क्या पवित्र आत्मा जो कंफर्टर है, सांत्वना देता है, कैसे देता है, कैसे देता है, कैसे देता है, कैसे देता है, बताया हूं ना, पवित्र आत्मा हमसे कैसे बात कर सकता है, हाँ वचन के द्वारा, ठीक है। तो कंफर्टर अगर हमको दिलासा दे रहा है तो किसके माध्यम से देगा, वचन के माध्यम। पवित्र आत्मा आपको वचन याद दिलाएगा, दिलाएगी नहीं दिलाएगा, दिलाएगा ना। एक वचन निकालना, कैसे दिलासा देता है, कैसे कंफर्ट देता है। नबी इसाइयास का ग्रंथ अध्याय 40 पद संख्या 41 जाइएगा, पद संख्या 10 और 41 का 10, हाँ हालेलुया हालेलुया जल्दी। अच्छा कितना बजे तक दे सकते हो समय, अभी हो रहे हैं 5 सही में, अरे लिया सही में 5 बजे तक बैठ जाओगे, बैठ जाओगे, हाँ ऐसे ऐसे कैसे ना हो लेकिन बैठ जाना। टेढ़ा होके बैठना एक बार, ऐसे एक बार ऐसे भी बैठना, लेकिन बैठ जाना, लेकिन सुनना ठीक से, ठीक है। अरे लिया हाँ पढ़िए 41:10 41। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। डरो मत, हाँ क्या बोल रहा है, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे चिंता मत करो, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ, मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ, मैं तुम्हें शक्ति प्रदान कर तुम्हारी सहायता करूंगा। मैं अपने विजयी दाहिने हाथ से तुम्हें संभालूंगा। अच्छा ये लिखा कौन है, नबी इसाइयास लिखा है। यीशु का आने का कितना साल पहले लिखा है, करीबन 700-800 साल पहले, ठीक है। अब सोचो जब यीशु नहीं आया उससे पहले ये लिखा हुआ है, ठीक है, डरो मत, है ना, चिंता मत करो, लिखा हुआ है ना, बोला है ना, ठीक है। अब यीशु आया, यीशु भी क्या बोला, डरो मत, विश्वास रखो, बोला कि नहीं बोला है, बोला कि नहीं बोला है, बोला है। जब याइर का बेटी मरने को थी तो याइर यीशु के पास में आया और क्या बोला, मेरे साथ मेरे घर चल और मेरी बेटी पे हाथ रखना, प्रार्थना करना और वो चंगी हो जाएगी, सही है, ठीक है। यीशु को लेके जा रहा था, रास्ते में कौन आ गई, 12 साल से रक्तस्राव पीड़ित महिला आ गई, तो वहाँ पे थोड़ा सा कुछ समय खप गया, खपा कि नहीं खपा, वहाँ पे कुछ हो गया, ठीक है। फिर उसका नौकर आता है याइर का, और याइर क्या बोलता है, याइर का नौकर क्या बोलता है, प्रभु को तकलीफ मत दे, तेरी बेटी मर गई है, ये ना बोला, यही बोला, याइर की बेटी को बारे में बोला, बोला ना, उसका नौकर आता नहीं बोलता कि क्या बोलते हैं, प्रभु को तकलीफ मत दे, तेरी बेटी मर गई, बोलता है। तो इस जगह पे क्या बोलता है, डरो मत, पहले बता डरो मत, विश्वास रखो बोलता है, ठीक है ना। फिर चिंता के बारे में यीशु बोला है, यस बोला है, क्या बोलता है, चिंता को
मत करो और नहीं 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 चिंता को क्या करोगे तुम खाओगे नहीं नहीं चिंता को करोगे क्या वो बोला ना चिंता के बारे में कुछ बोला क्या बोला चिंता को कुछ तो बोला था ना अरे चिंता के बारे में कुछ बोला था कि नहीं बोला था क्या बोला था यीशु जब बोला चिंता के बारे में तो क्या बोला चिंता को किसको दो बोला क्या बोला चिंता को मेरी तरफ हाँ क्या बोली दे दो नहीं बोला उससे पहले कुछ बोले मैं बोला कि चिंता को मेरी ओर हाँ कौन बोला क्या बोला अरे कोई बोला था उधर से क्या बोला था बोलने में शर्माते हैं दे दो बोला था नहीं क्या बोला फेंको हाँ सही बोला चिंता को मेरी ओर फेंको बोलता है दो मत बोलता है फेंको बोल रहा है तुम लोग कैसा करते हो चिंता को सच बता इतना बोलने के लिए मेरे को भी बहुत जद्दोजहद करना पड़ा है बोलवाने के लिए तो चिंता को क्या करो आप मेरी ओर कि दो बोला फेंको ना बोला तुम लोग क्या करते हैं सीने के लगा के रखते हैं है ना चिंता करते हैं लेकिन यीशु बोलता है कि चिंता को मेरी ओर फेंको फिर बोलता है ना कि मैं तुम्हारे साथ बोला है कि नहीं बोला है बोला है यीशु बोला ना कि मैं संसार के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ बोला मत्ती का 28 का 20 में तुम लोग पढ़ लेना है ना बोलता है ना कि मैं संसार के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ ठीक है तो जो कुछ भी बात बोला प्रभु यीशु ने तो पवित्र आत्मा हमको उसको क्या करता है बताता है कैसे बताता है यही सब वचन आपको याद दिलाएगा यही सब वचन आपको बताएगा कि देखो वचन में ये बोलता है तुम डरो मत विश्वास रखो चिंता मत करो मैं तुम्हारे साथ हूं और तुमको क्या करूंगा दाहिने विजयी हाथ से तुमको क्या करूंगा संभाल हालेलुया हालेलुया थैंक यू जीसस ये है होली स्पिरिट है ना अब लास्ट में हम लोग सीखेंगे कि होली स्पिरिट से आप बात कैसे करोगे प्रैक्टिस ऐसे करना थैंक यू होली स्पिरिट बोलने का पहले ना फिर कहीं भी जाओगे तो बोलना खरीदने जाओगे तो बोलना थोड़ा कम खर्चा करवाना अरे करके देखो तो आप करके देखो एक बार आप बाजार जा रहे हो कहीं भी जा रहे हो होली स्पिरिट हमारे साथ चलो और हमको अच्छा सस्ता कपड़ा खरीदने में मदद करो देखो नहीं तो फिर जाओगे फिर खरीदोगे महंगा कपड़ा और फट भी जाएंगे हालेलुया ठीक है तो ऐसा प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको लगभग कोई बोलेगा कि किससे बात कर रहा तुमको क्या मतलब किससे बात कर रहा है हालेलुया थैंक यू जीसस आप धीरे से बात करो सामने वाले को पता भी नहीं चलता है ठीक है लेकिन बोल के उसको मदद दो ना उसका मतलब बोला ना यीशु सहायक है तो सहायक है ना भाई है कि नहीं है, है। तो सहायक का मदद दो ना वो बहुत अच्छा गाइड करता है हमसे ज़्यादा अच्छा हमारा दिमाग तो फेल हो जाएगा उसका कभी फेल नहीं होगा क्योंकि वो बहुत लिमिट अनलिमिट है ना वो तुमको इतना आगे बढ़ाएगा ना कि इस संसार में और से आप बहुत आगे रहोगे हाँ जो संसार आपको सोच देता है ना वो उससे आपको गलत क्या बोलते सही डायरेक्शन में लेके जाएगा ठीक है सही डायरेक्शन में ले जाएगा आपको संसार गलत चीज़ बताएगा है ना मान लो की बात है मान लो की बात है आजकल बहुत ज़्यादा देखने को भी मिलता है लड़की का शादी किया कुछ दिन में कुछ अनबन हो गया ठीक है अनबन हो गया लड़की आ गई तो उसका माँ बाप लोग क्या बोलेगा क्या बोलेगा ठीक हुआ वो लड़का के साथ मत रहना बहुत मारता है ना होता है कि नहीं होता है हो रहा है कि नहीं हो रहा है अगल बगल पड़ोस में हो रहा है कि नहीं हो रहा है हो रहा है तुम क्या ज्ञान दिए आप उसको क्या ज्ञान दिए ईश्वर वाला के संसार वाला जो आपको दिख रहा है जो आपका समझ बोलता है यही ना दिया लेकिन ईश्वरीय ज्ञान क्या बोलता है क्या बोलता है ईश्वरीय ज्ञान बाइबल क्या बोलता है हाँ क्या बोलता है हाँ भाई मेरा आधा से ये बनी है हम लोग एक में कंप्लीट हुए हैं तो इसको अलग कैसे कर सकता है मेरे सामने निकली वो कैची देखे हो कैची
हालेलुया। कैंची देखे हो? कैंची देखिए भी नहीं देखिए, दोनों को जोड़ा जाता है ना एक रिबेट मार के, सही। तो उसका दोनों ये धार रहता है कि एक कम रहता है एक ज्यादा रहता है? दोनों धार रहता है, दोनों धार रहता है, एक ज्यादा धार रहता है और एक, अगर दोनों धार रहेगा तो नहीं काटेगा, सही बोले, नहीं काटेगा, समझो बात को। तो एक पति और पत्नी का रिलेशन वैसे ही होता है ना, दोनों एक हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। हालेलुया, समझ रहे ना बात को? हाँ, दोनों अगर एक हो गया तो गड़बड़ हो गया, मिसमैच हो गया, मैच सही से नहीं बना, ठीक है, समझ रहे ना। अब कुछ चीज हमको पसंद नहीं, कुछ चीज उसको पसंद नहीं, है ना। अब मेल हो गया तो अब हम थोड़ा सा एडजस्ट होंगे, अब वो थोड़ा सा एडजस्ट होगा, अब रिलेशन बनेगा, यस, क्योंकि उसका बीच में थर्ड पार्टी कौन है? यीशु है, वो है करार का पार्टी पति पत्नी का बीच में, वो है जो जोड़ के रखता है। तो हमारा कमजोरी में हमको यीशु मदद करेगा, उसके कमजोरी में यीशु उसको मदद करेगा, ऐसे बनता है। समझ में आया? क्लियर है ना? हाँ, मजा आ रहा है थोड़ा थोड़ा। हाँ, तो हम लोग कहाँ पर थे? कंफर्टर। अब दूसरा चलें, दूसरा, दूसरा वाला में प्रैक्टिकल है, लेकिन इसको हम करेंगे तो तुम लोग बुरा भी मान दो। एक जगह कर दिए तो लड़की बच्ची रोने लग गई, अरे वो रोने लग गई, बोलती है कि हमको मेरा से गलती हो गया। हमने ठीक है भाई, गलती हो गया तो इसके लिए क्यों रो रहे हो? तो मैं खुदे से खुदे का एग्जाम्पल दूंगा, ठीक है, हालेलुया। तो दूसरा, दूसरा है, दूसरा जो पवित्र आत्मा जो हमको कैसे सहायता करता है, दूसरा है एडवोकेट। क्या है एडवोकेट? देखिए क्या करता है, है क्या करता है, क्या करता है? वकील, वकील क्या करता है? मान लो मेरा वकील है तो क्या करेगा? मेरा रक्षा करेगा, मेरे लिए लड़ेगा, मेरे लिए लड़ेगा। हाँ, तो पवित्र आत्मा मेरे लिए, मेरे लिए, हालेलुया, थैंक यू जीसस, एडवोकेट, ठीक है। चलिए इसको हम लोग देखते हैं, यूहन्न का सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 16 में। थैंक यू जीसस, हालेलुया, नींद तो नहीं लग रहा है? हाँ, ये पवित्र आत्मा का क्लास है, मेरे को इतना पूरा विश्वास है कि तुम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है और समझ में भी आ रहा है। थैंक यू होली स्पिरिट, और तुम, हाँ, और हम नहीं समझा रहे, ये पवित्र आत्मा का है, ठीक है। हाँ, पढ़ो 3:16। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने इसके लिए अपने एकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया जिससे जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश ना हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वचन बोलता है कि ईश्वर ने संसार को इतना प्यार, कितना प्यार किया, कितना 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 प्यार किया है, अनलिमिटेड, कितना नहीं बता सकते। चलो एक उदाहरण से देखते हैं, समझ लो ये बगल में एक कमरा है, ठीक है, हाँ ये भी बगल में भी कमरा है, इधर भी कमरा है, और वो कमरा में समझ लो कि एकदम छठे बहुत बड़े मर्डरर, रेपिस्ट, डकैत, गुंडे, बदमाश लोग हैं, करीबन 10-12 जन को रखा है उसमें, ठीक है। कौन कौन जाओगे उस कमरे में? कोई जाना चाहोगे? है कोई? नहीं जाओगे? कहीं नहीं जाओगे? कहीं का डर लगेगा? गुंडा लोगे बोल के कहीं के लिए डर लगेगा?
अरे कहीं के लिए नहीं जाओगे, डर लग रहा है। क्यों डर लग रहा है? हाँ, बदमाश लोग हैं। मैं बताऊं, क्योंकि आप नहीं जाओगे इसलिए कि आपको पता है कि ये लोग बहुत बुरा व्यवहार करेंगे, सही है, चीड़ फाड़ कर देंगे, सही है, सही कि नहीं सही? आप नहीं जाओगे, ठीक है, और ना ही किसी को जाने का सलाह दोगे, नहीं। बाप रे बाप, कौन भेजेगा वहाँ पे? हैं, एक पर एक मर्डरर लोग हैं, रेपिस्ट लोग हैं, कौन भेजेगा? भेजेगा कोई? कोई अपना माँ बहन को भेजेगा? कोई नहीं भेजेगा। भेजेगा? नहीं भेजेगा। ठीक वैसे ही पिता परमेश्वर जानता था क्या कि जब मैं अपना बेटा को यहाँ भेजूंगा तो उसको भी बहुत तरीके से मारेंगे। कौन? हम लोग सब उसको मारेंगे, दाढ़ी नोचेंगे, कैसा है? घास घास उखाड़े हो कभी? घास उखाड़े हो? हाँ, वैसे ही दाढ़ी को भी नोचेंगे, बाल को भी नोचेंगे, झापड़ मारेंगे, थूकेंगे, काटा का मुकुट पहनाएंगे, कोड़े पे कोड़े मारेंगे, इतना इतना मीट फेंकाएगा, वैसा वैसा का कोड़ा मार रहा, ठीक है। जानता था कौन? कौन? पिता परमेश्वर। फिर भी लेकिन उसने अपने एक लौते बेटे को यहाँ भेजा। इसको बोलते ईश्वरीय प्रेम। मैंने आप लोगों को पूछा कि वहां भेजोगे तो क्या बोले आप लोग? दूसरा को सलाह दोगे? नहीं। लेकिन देखो, पिता का प्रेम ऐसा होता है, ठीक है। उसने हम सबको बचाने के लिए उसने अपने एक लौते बेटे को भेजा, जो जानता था कि इसको बहुत बुरा सलूक करेंगे, सब मिल करके उसको नंगा करके मारेंगे, क्रूस पे ठोंक देंगे और भाला से भी छेद देंगे। हालेलुया, सही सही है ना? लेकिन भी उसने भेजा। इसको बोलते हैं ईश्वर वाला प्रेम, ठीक है। मतलब देखो, हाँ, ये तो हुआ ईश्वर का प्रेम। आगे पढ़िएगा तो वो उसी लाइन में, इतना प्यार किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को अर्पित किया, ताकि आगे आगे उसके उसी का, जो उसमें विश्वास करता है, जिससे जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश ना हो, उसका सर्वनाश ना हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे, बल्कि अनंत जीवन। अरे बाप रे बाप, अनंत जीवन देखिए मिला है नहीं मिला है? मिला है कि नहीं मिला है? अनंत जीवन तुमको मिल गया है। हाँ, अब तुम बोलोगे कि लेकिन क्या बोलते, ये भी कोई जीवन है, ये भी कोई जिंदगी है, है? बोलते कि नहीं बोलते? गरीबी वाला। अरे गरीब तुमको कौन बनाया है? कौन बनाया? यीशु बनाया क्या? ना, परमेश्वर ने आपको गरीब नहीं बनाया, गरीब आप खुद से हो ना जानने के कारण, ठीक है। तो अभी क्या बोल रहा है कि जिससे जो उसमें विश्वास करता है ना, उसका सर्वनाश ना हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। मतलब ये इटर्नल लाइफ यानी अनंत जीवन उसने हमको दिया है, दिया कि दिया है? चालू हो गया है ना? हाँ, हो गया है। जिस दिन आपने विश्वास किया उसी समय आपका इटर्नल लाइफ चालू, ठीक है। हाँ, दोनों में इटर्नल लाइफ है, उसमें भी है लेकिन उसमें आग का भट्टी है, वो भी अनंत काल के लिए जलते रहेगा। जाना चाहोगे? हैं, जाना चाहोगे? अच्छा, कौन जाएगा वो आग का भट्टी? वो जो पाप करता है, पापी लोग है, नरक कौन जाएगा? कौन कौन ही जाएगा? अरे मैं पूछ रहा हूँ कौन जाएगा बोला, मैं थोड़ी ना पूछ रहा हूँ कि कौन जाएगा, कौन जाएगा भाई? नहीं यार, तो जब भी हम पूछने वाले तो कोई ऐसे करता है, कोई कौन जाएगा नरक? कौन ही जाएगा? कब बात करते हो? और कौन जाएगा? मर्डर लोग जाएगा? हैं, मर्डर? हाँ, मर्डर लोग जाएगा? रेपिस्ट लोग जाएगा? हत्या करने वाला जाएगा? नहीं जाएगा। हाँ, अभी पूछे सवाल क्यों? इस क्यों का जवाब यही है कि उसने पाप का दंड का भुगतान कर दिया है, भुगतान हो गया है,
ऐसा नहीं है कि उसने कुछ पाप का भुगतान किया, उसने पूरे पाप का, जितना भी घिनौना से घिनौना पाप क्यों ना हो, उन हर एक पाप का भुगतान यीशु ने दंड का चुकता कर दिया, पेड इट ऑल, सब कुछ पे कर दिया। आपका हर एक पाप, गुना, अपराध, किसी भी, कितना भी लिचड़ से लिचड़ क्यों ना हो, उन सब पापों का भुगतान, दंड का भुगतान यीशु ने कर दिया है, कर दिया है। तो ये मत बोल सोचना कभी भी कि पापी नरक जाएगा। बोलते भी होंगे लेकिन मैं बता दे रहा हूं, पापी नरक नहीं जाएगा, जो विश्वास नहीं करेगा वो जाएगा। लिखा हुआ था, पढ़ा आप लोगों ने, पढ़ा क्यों बोला ना, हाँ। कि जो विश्वास, सही था आपका जवाब, जो विश्वास करेगा है ना वो अनंत जीवन पाएगा। कैसे मतलब नहीं, नहीं 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 सिस्टर आप गलत बोल रहे, देखिए 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 बात को समझिए आप, अदरवाइज हाँ नहीं नहीं ठीक 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 थैंक यू आप ठीक बोल रहे हैं कि उनका सिस्टर कहना ये है कि ऐसा में तो भैया पापे करके स्वर्ग चले, नहीं पाप करके स्वर्ग नहीं जा सकता है, मेरा बात को समझिए। मैं बोला कि जो विश्वास नहीं करें, अगर पापी विश्वास कर लिया कि यीशु ने मेरा पाप का दंड का भुगतान कर दिया है तो वो स्वर्ग जाएगा। अच्छा बताओ एक बात, तीन, एक मिनट अभी वहां भी पहुंचेगा करके भी, तीन जन यीशु के दायां बायां में क्रूस पे ठोके जा रहे थे, एगो भला था और एगो बुरा था, सही है ना। तो बुरा वाला उसको तो खूब ताना दे रहा था कि अगर तुम ईश्वर का पुत्र है तो हम लोग को बचा ले, खुद भी बच, हमको भी बचा, ठीक है। लेकिन जो एक और डाकू था वो क्या बोलता है, वो बोलता है अरे हम लोग तो अपना कर्म का भोग रहे हैं। बोला ना हम लोग तो अपना कर्म का भोग रहे हैं, इसका तो कोई गलती नहीं है, है ना। तो बोलता है यीशु को, बोलता है कि प्रभु अगर तू अपना राज्य में जाएगा तो मेरे को भी याद कर लेना, ठीक है। जैसे उसने ये बात को बोला, यीशु क्या बोला, तू आज ही मेरे साथ में पैराडाइज में होगा। तो कौन सा जिंदगी भर वो अच्छा काम किया था, कुछ अच्छा काम नहीं किया, लेकिन लास्ट मोमेंट में उसने विश्वास किया कि यीशु मेरा दंड का भुगतान करने वाला है, विश्वास किया, कर दिया है और वो स्वर्ग का राज्य का भागी हुआ। हालेलुया। अब सवाल ऐसे उठेगा, अरे भैया ऐसे ही लास्ट मोमेंट में हम भी कर ले। हो सकता है हाँ, यही सवाल। नहीं लेकिन नहीं हाँ ठीक है लेकिन एक बात हम बता दे रहे हैं, आप एकदम सही बोल रहे हैं, उसीलिए तो मैं उसी पॉइंट में जा रहा हूँ। तो सबको यही बोलेगा कि भैया पाप कर लो, लास्ट मोमेंट में कर लो, लेकिन हम एक बात बता दे रहे हैं, हम यही बात को जिससे मैं सीखा था उसको भी यही सवाल पूछा, यार आखिरी बोल में छक्का मारना ही बेटर था, ऐसा बोला मैं, समझे ना। मैं पूछा कि भैया वो लास्ट डाकू का तो निकल पड़ा, पूरा लाइफ टाइम में ऐसा एंजॉय मस्ती किया और लास्ट मोमेंट में छक्का मार के एंट्री मार लिया, ऐसा मैं सोचा है ना। तो वो हमको बोला कि तुम गलत सोच रहे हो, अभी पूछो क्या है, क्योंकि प्रभु ने जो जीवन आपको दिया है आप वो जीवन नहीं जी रहे, इसलिए आपको लगता है कि मेरा जीवन क्या बोलते हैं ऐस मौज मस्ती से नहीं है, ये इसलिए आप सोच रहे हो क्योंकि आपने उस टेस्ट को नहीं चखा जो प्रभु जीवन दिया है। अच्छा प्रभु यीशु का जीवन कैसा था, पावर वाला था कि नहीं था, कि नहीं था, था कि नहीं था, वही पावर वो आपको दिया कि नहीं दिया, लेकिन हम नहीं जान रहे और हम जी नहीं रहे। वो तो बोलता है योहान का सुसमाचार 14 के बारे में लिखा है, बोलता है कि जो मुझ में विश्वास करेगा वो मुझसे भी बड़ा बड़ा महान काम करेगा, मतलब वो मुर्दा को जीवित करता था तो मैं भी मुर्दा को जीवित कर सकता, ये पावर उसने हम लोगों को दिया है। यानी कि लाइफ जो है इतना पावरफुल, इतना क्या बोलते सुपर नेचुरल लाइफ उसने दिया है कि हम उसको जीवन जीने से हम लोग फेल हो गए। फेल क्यों हुए, क्योंकि तुम उसके आज्ञाओं का पालन नहीं करते हो। आज्ञा क्या है कि तुम एक दूसरे से प्रेम करो, लेकिन आप जो प्रेम करते हो वो ईश्वरीय प्रेम है ही नहीं है। तो आप जब तक उसके जैसा नहीं जियोगे तो वो जीवन जो वो देने के लिए आया, वो जो सुपर नेचुरल लाइफ जो आपको देना चाह रहा है वो आप उसको नहीं पाओगे, समझ में। तो ऐसा नहीं है कि उसने लास्ट बॉल में छक्का मार के एंट्री मार, असली जीवन जो प्रभु, देखो योहान का सुसमाचार 10:10 निकालो,
हालेलुया 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 थैंक यू जीसस। पढ़िए, चोर केवल चुराने मारने और नष्ट करने आता है। मारने और फिर नष्ट, देखो 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 शैतान कैसे आता है, पहले चुराने, फिर दूसरा मारने, फिर तीसरा नष्ट करने। इतना तरीके से आप लोगों को सता रहा है, आप लोगों को पता नहीं चल रहा है। पहले चुराता है, फिर मारता है, फिर नष्ट करता है। ठीक है, आगे बढ़ो। मैं इसलिए आया हूँ कि वे जीवन प्राप्त करें बल्कि परिपूर्ण जीवन प्राप्त करें। देखो जो प्रभु बोल रहा है, जो हमारा परमेश्वर है, वो बोलता है कि जीवन प्राप्त करें बल्कि परिपूर्ण जीवन प्राप्त। देखो दो बार जीवन का वर्ड बोल रहा है वो। सोचो कि वो कौन से जीवन के बारे में बोल रहा है। जो जीवन आप जी रहे हो, जो जीवन आपको लग रहा है कि ये तो बड़ा बेकार वाला है, कुछ चीज़ भी नहीं है मेरे हाथ में, आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन ये जीवन आपको परिपूर्ण जीवन उसने दे दिया है। बोला ना यीशु ने, बोला कि मैंने वो जीवन दिया है, परिपूर्ण जीवन, परफेक्ट। तो आपके जीवन में कोई अस्वस्थ रह सकता है? नहीं। आपके जीवन में कोई कमजोरी रह सकता है? नहीं। कोई तंगी रह सकता है? नहीं। कोई किसी प्रकार का ईर्ष्या जलन रह सकता है? चॉइस इज योर्स, आपको चुनना है कि मेरे को जीवन का लेना है कि क्या बोलते हैं, एक और जीवन है, उसमें भी जीवन है, दोनों में जीवन है। हालेलुया। तो ये है एडवोकेट, वो हमको क्या करता है, क्या बोला, जो विश्वास करेगा है ना, उसको क्या मिलेगा, अनंत जीवन। ये ना बोला, उसका सर्वनाश नहीं होगा बल्कि अनंत जीवन मिलेगा। आगे आगे पढ़ना, उसे बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, इसको समझिए क्या बोल रहा है। आगे पढ़िए उसी में, वो यूहन्ना 3:16 वहीं पे रोके थे ना। एक घंटा है जिससे जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश ना हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। उससे पहले ना, थोड़ा सा पढ़े, उससे पहले वाला जो अभी पढ़े ना, उसी का वचन के ऊपर। हाँ, ईश्वर ने संसार को नहीं, उसके बाद बोला अपने पुत्र को संसार में इसलिए नहीं भेजा कि वह संसार को दोषी ठहराए। क्या करेगा संसार को, मतलब संसार में कौन है, हम लोग, तो हम लोग को दोषी ठहराएगा। इसलिए नहीं भेजा अपना बेटा को, प्रभु यीशु को इसलिए नहीं भेजा कि वो हम लोगों को दोषी ठहराए। तो पवित्र आत्मा क्या करता है, एडवोकेट, वकील, हमारी क्या करता है, रक्षा करता है, हमको दोष नहीं देता है। पवित्र आत्मा अगर आपके साथ में है तो वो आपको दोष नहीं देगा। गलती होगा ना तो आपको पश्चाताप की ओर ले जाएगा, रिपेंटेंस की ओर ले जाएगा। हाँ, अगर आपके साथ में पवित्र आत्मा नहीं है तो वो आपको गलत मार्ग में ले जाएगा। ये इसको समझना है ना, अगर पवित्र आत्मा है तो आपको पवित्र आत्मा को रिपेंटेंस की ओर लेगा, जब आप उसकी बात को सुनेंगे, हाँ आपने गलती किया, हाँ मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं गलती किया हूँ, है ना। आप जैसे ही स्वीकार करते हो कि मैंने गलती किया, तो प्रभु से आपको क्षमा मिल जाता है। ठीक है, मतलब है कि आप स्वीकार क्या बोलते हैं, पश्चाताप की ओर जाते हैं। प्रभु क्या बोलता है, जब प्रभु यीशु जब सुसमाचार का प्रचार करने निकला तो सबसे पहले क्या बोला, मन फिराओ, आया अधूरा बोल रहे हैं। हाँ, पश्चाताप करो, नहीं अधूरा है, मेरे पीछे हो, नहीं अधूरा है। हाँ बोलो बोलो बोलो,
बोलो ना, थोड़ा सा याद तो आएगा आप लोगों को, होली स्पिरिट तो याद दिलाएगा ना कि क्या बोला था, एक वर्ड, वो वर्ड बोलेगा तो एकदम परफेक्ट हो जाएगा और आप एकदम सही समझ पाओगे क्या बोला, पश्चाताप करो। हाँ तो मैं भी तो बोल रहा हूँ भाई कि पश्चाताप करो और स्वर्ग का राज्य निकट है, एक बीच में छूट रहा है। हाँ, सुसमाचार में विश्वास करो, पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। देखो देखो देखो, अगर आप आधा करोगे तो स्वर्ग का राज्य में एंट्री नहीं मार पाओगे, ठीक है, समझो बात को। सिस्टर ने बहुत अच्छा याद दिलाया, बहुत सही जगह बोले, सुसम पहले का बोला पश्चाताप करो, आदमी पश्चाताप कर लिया, ठीक है, आदमी जो है पश्चाताप कर लिया, वो जो तीन डाकू जो दो डाकू उसके साथ ठोके गए थे उसने भी पश्चाताप किए, बोलो ना कि अरे हम लोग तो अपना कर्म का भोग रहे, ये तो भला मानस है ना, इसका कोई गलती नहीं है, बोला कि नहीं बोला, पहला बोला। और दूसरा क्या बोला कि प्रभु आप अगर अपने राज्य में होंगे तो हमको भी याद करेंगे, विश्वास किए। हालेलुया, ठीक है। अब देखो समझो बात को, अगर कोई आदमी बोलेगा कि मैं पश्चाताप कर लिया तो क्या वो स्वर्ग राज्य में घुस जाएगा, घुस जाएगा, कब बात करते हो, नहीं घुसेगा, नहीं घुसेगा, अरे वो पश्चाताप कर लिया तो नहीं घुसेगा, है घुसेगा, घुसेगी नहीं घुसेगा। चलो ठीक है, एक सवाल और पूछूं, पूछूं, हाँ, कॉफी बना रहा हूँ, कॉफी कड़वी हो गई तो मीठा करने के लिए क्या बनता है, हैं? अरे कॉफी कड़वी होती है कि नहीं होती है, उसको मीठा करना था तो मीठा करने के लिए क्या डालते हैं, जानता ही नहीं है यार, मेरे को पता था ये लोग यही बोलेगा, कैसे मीठा करोगे, हैं? अरे कॉफी का बात चल रहा है अभी, मैं तो अभी पूछ रहा हूँ कॉफी के बारे में, हाँ चीनी डालेगा, मैं बोला था ना यही जवाब देगा, क्या डालना, दूध डालेगा, बता बता बता, अरे तुम लोग कभी कॉफी बनाए हो कि नहीं बनाए हो, देखा मैं बोला था, हाँ पानी डालेगा, अरे भाई कॉफी कड़वी होती है पता है ना, तो उसको मीठा करने के लिए क्या डालोगे, बता था तो पानी पिलाओ उनको, हम तो बोलते हैं कभी कॉफी बनाई कि नहीं बनाए, तो कभी कॉफी पीने हम आ गए तो कैसे पिलाओगे, कड़वी रहेगा तो हमको चाहिए मीठा, पानी पिलाओगे, पानी पिलाओगे उसमें दूध और पानी दोनों डाल के तो मीठा हो जाएगा, तो मीठा कैसे करो भाई, मैं तो मीठा का बात कर रहा हूँ, मेरे को मीठा कॉफी चाहिए, चीनी डालेंगे, हम बोले थे ना चीनी, प्यार प्यार, ओ बाप रे बाप, मजा आ गया, प्यार डालेगी तो मीठा हो जाएगा, प्रेस द लॉर्ड, हालेलुया, मजा आ गया। देखो देखो इससे कहा हुआ ना कि देखो जो सो भी रहा था तो भी जग गया होगा के लिए और उसका नींद भी चटक जाएगा, है ना, तो क्या डालोगे, कॉफी अगर कड़वी है मीठा करना रहेगा तो कोई तो सही, अच्छा प्यार दे देंगे तो कड़ो, अरे यार प्यार से कॉफी मीठा होता है क्या, हाँ तो फिर आज से प्यार ही डाल के कॉफी तो प्यार कहां से लाओगे, प्रभु इसमें कैसे, नहीं अपने बात, चलो हम जान गए तुम लोग नहीं बनाती हो, फिर ये लोग पूछते हैं कब डालोगे जी, ना हाँ तो कड़वा को कम करने के लिए ना, देखो एक बात हम बता रहे हैं, मतलब इससे हमको पता चल गया कि आप लोग कॉफी बनाने जानते हैं, जानते हैं, जानते हैं, कड़वी है उसको मीठा करने के
चीनी ही डाला जाता है। लेकिन आप लोगों का आंसर बदला कि नहीं बदला? बदला कि नहीं बदला? मैंने सिर्फ प्रेशर दिया आप लोगों को, सिर्फ प्रेशर दिया कि देखो अभी लोग कितना टिके रहेगा। तुम लोगों का जवाब बदला? ऐसे ही करता है शैतान आप लोगों से, थोड़ा सा प्रेशर देता है आप लोगों को और आप लोग क्या करने लग जाते हो? अनाप शनाप। बोल दिया, यहाँ बोला प्रभु यीशु के घाव उधर हमें चंगी हो गई, और उधर थोड़ा सा बाहर निकला, दूसरा आगे बोला अरे तुम अभी भी लंगड़ा रहा है, ले फिर उसे वो उसका बात को मान लिया। तो यही तो हो रहा है हमारे जीवन में कि आपको थोड़ा सा प्रेशर दे रहा है, आप उस प्रेशर को झेल नहीं पा रहे हो, थोड़ा सा प्रेशर को वहाँ पे आप पलट के नहीं बोल पा रहे हो कि नहीं चीनी ही डालेंगे, चीनी से ही मीठा होता, आपको ये बोलना था, लेकिन मैंने आपको थोड़ा सा प्रेशर डाल दिया तो आप तुरंत पलट गए। और कहे नमक डालोगे यार? ठीक है ठीक है ठीक, कोई बात नहीं। लेकिन जो जो भी हो, हमको प्रभु का वचन में अड़ी गया, ठीक है, प्रभु का वचन ये बोलता है तो तुम कुछ बोलो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपका विश्वास और भरोसा वचन में होना है, तब जाकर के आप प्रभु का विश्वास में हर चीज को पा सकते हो। और इतना लाइफ आपका साधारण नहीं रहेगा, एकदम सुपर नेचुरल रहेगा। जहाँ जाओगे वहाँ पे तुम नमक बन जाओगे। क्या बन जाओगे? नमक। क्या बोलता है? तुम पृथ्वी के नमक हो। तुम हाँ ज्योति हो, तो ज्योति अच्छा एक बात होता सही में नमक हो, कि नमक मतलब जानते हो ना, जहाँ जाओ वहाँ पे मिल जाओ, उनके जैसा बन जाओ कि अपने जैसा सबको बनाओगे। ये यहाँ पे मार खा जाते हैं, हम उनके जैसा बनने लग जाते हैं तो वो गलत हो जाता है, ठीक है। हमको अपने रंग में उसको हालेलुया। तो हम क्या बताते हैं? एडवोकेट। तो अब इसको हम लोग एक उदाहरण में भी सीखेंगे, उसको हम बता रहे हैं, ठीक है। और इसको हम उदाहरण हम तुम लोग आप लोगों से नहीं करवाएंगे, हम अपने ही करके बताएंगे आपको, ठीक है। तो निकालिएगा प्रकाशन ग्रंथ, पता नहीं कहीं सीख रहे हैं, लेकिन जवाब सवाल नहीं करता हूँ, बेटर रहेगा। जब से बच्ची के साथ में हो तब से हालेलुया, थैंक यू जीसस। चलो ठीक है, इसको ध्यान से पढ़ना है ना। प्रकाशन ग्रंथ अध्याय 12, जहाँ पे पढ़े थे ना अभी, ब्रदर बता रहे ना मैं, हाँ वहाँ नहीं कहता, 12 का आप चल जाइए 10 में, 10 में क्या है पढ़ा तुम्हारा? नहीं नहीं 11वां महीने, 11 में, हाँ एक ही पाठ पढ़ना, जहाँ तक पढ़ोगे एक ही पाठ पढ़ना। देखो इसको अभी सुन लो, है ना, मैं इसलिए बोल रहा हूँ एकदम ध्यान से सुनना, अभी मैं सवाल जवाब करूँगा इसमें और सबको मौका दूंगा, ठीक है। हालेलुया, थैंक यू। एकदम ध्यान से सुनना बोल क्या रहा है और आपको जवाब क्या देना है, ठीक है। आइए प्रकाशन ग्रंथ अध्याय 12 पद संख्या 11 में आप पढ़िएगा विजय हुए तक। चलिए, वे मेमने के रक्त, बोलो वे मेमने के रक्त, और अपने साक्ष्य के द्वारा, और अपने साक्ष्य के द्वारा उस पर विजयी हुए, उस पर विजयी हुए। किस पर विजयी हुए? किसके ऊपर विजयी हुए? इससे पहले तो आप लोग पढ़े थे ना, बताया था, है ना, किस पर विजयी हुए? पाप पर, शैतान पर। हालेलुया। मेमने का रक्त मतलब किसका? 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 ईश्वर का, प्रभु यीशु का। अभी भी प्रेशर दे रहा था तो पलट जाएगा। मेमना मतलब वही प्रभु यीशु, ठीक है, यीशु के रक्त और आगे 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 और अपने साक्ष्य के द्वारा उस पर विजयी हुए, ठीक है। तो यहां समझिएगा दो चीज है, मेमने के रक्त और अपने साक्ष्य के द्वारा किस पर विजय हुए? शैतान पर, पाप पर जय पाए, ठीक है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। अब मान लो कि पिता परमेश्वर है, ठीक है, बुलाओ, अच्छा आप भी आ जाओ, आप आओ, आप भी आओ,
नहीं मैं ही रहता हूँ, समझ जा मैं हूँ, ठीक है। इधर आ जा, इधर आ जा, हाँ अब कुछ सवाल की तो पूछूंगा ना। ये है समझ जा पिता परमेश्वर, ठीक है ठीक है। मैंने क्या बोला, पाप और शैतान पर जय पाए, ठीक है। और ये समझ जाओ यीशु है, ठीक है। और हमको समझ लो हम शैतान हैं, कहा है हालेलुया। और ये है पिता परमेश्वर और वो है यीशु और हम हैं शैतान। अब कैसे विजयी होगा, दो जैसे मान लीजिए उसका जवाब रहेगा उसी के अनुसार ना विजय होगा। आप लोगों ने धर्म ग्रंथ में पढ़ा है, बाइबल में पढ़े हैं कि कोई भी दो गवाही होता है उसके द्वारा ही वो क्या करता है, सही माना जाता है, प्रमाणित माना जाता है, ठीक है। कोर्ट केस होता है, जैसे कोर्ट केस होता है तो दो गवाही ये करता है ना। तो समझ जाओ कि ये हो गया यीशु, ये हो गया पिता परमेश्वर, हम हो गए शैतान। अब मान लो आप में से कोई यहाँ से उस लोक में चला गया है ना, अभी स्वर्ग का एंट्री मारना है, कोई आएगा जवाब देने के लिए? तू जानती है क्या, जानती है नहीं जानती? हाँ तब तो आ गया, टीचिंग सुनी तो नहीं ना, ये टीचिंग तो नहीं ना सुनी हो, हाँ यहाँ खड़ा हो रहा, ठीक है। अब समझ ले न्याय हो रहा है, ये है पिता परमेश्वर, ये है प्रभु यीशु और हम हैं शैतान। अब ये पृथ्वी से आई है वहाँ, ठीक है। अब इसको जाना है, ठीक है। अब हम ये आए हैं तो अब इसको तो गवाही देना पड़ेगा, ठीक है। अब ये है पिता परमेश्वर, अब हम शैतान क्या करते हैं, दोष लगाते हैं, अब हम दोष लगा रहे हैं, ये पाप की है, ये स्वर्ग नहीं जा सकती है, ठीक है ठीक है, हो गया ना। पहले पिता परमेश्वर पूछेगा, हाँ पूछेगा, इसको क्या पूछोगे, हाँ क्या तुमने पाप किया है, क्या तुमने पाप किया है, हाँ ये पूछा, ठीक है। और हम तो बोलिए हैं कि ये तो पाप की है, हम बता दिए, मतलब एक, एक गवाह मेरा हो गया, ठीक है, दोनों वकील और वो जज है, ठीक है, ये पिता परमेश्वर यही, ठीक है। ये दोष लगा रहे हैं, हम दोष लगा रहे हैं, दोष लगा, ठीक है, तेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, तुम्हारे ऊपर इल्जाम लगा, ठीक है। हम अपना पक्ष रख दिए भाई, है ना, तो हम बोले कि ये पाप की है, ठीक है, है ना। अब जज पूछ रहा है, हाँ तो अब आपका जवाब क्या होगा, नहीं किया होगा, ये सच बोल रही है कि झूठ बोल रही है, झूठ सच बोल रही हूँ, मैं पाप नहीं किया हूँ, झूठ। देखो 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 देखो, मैं ये सीखने का बात है, 1 John 1 का 10 में जाइएगा, 10 या 1 मिनट, 1 John पहला योहान का सुसमाचार पत्र, संत योहान का पहला पत्र अध्याय 1 पद संख्या, हालेलुया हालेलुया, थैंक यू जीसस, हाँ पहला योहान 1:8 पढ़े वचन, यदि हम कहते हैं कि हम निष्पाप हैं, तो हम अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं है। आया समझ में, मेरे बात को समझो। इस संसार में सब पापी हैं, सब पाप में चल रहे, ठीक है। और उसी पाप से, शराब से, अपराध से, गुनाह से मुक्ति के लिए कौन आया है, परमेश्वर आया, अपना काम किया, हमको पाप से मुक्ति दी है, सही है। अगर हम अस्वीकार करें कि हम पाप नहीं किए तो हम उसको झूठा साबित करेंगे, यीशु को, ठीक है, समझ गए ना। हाँ अब फिर से एक बार सवाल फिर पूछो उसको, आप जवाब सोच के बचा, एक बार फिर से पढ़ना 12:11 थोड़ा सा हिंट मिला तुमको अभी, हाँ मिला है, उसी से जवाब देना, हाँ तो सही जवाब जवाब है, पढ़ो 12:11 फिर एक बार, वे मेमने के रक्त बोलो, और अपने साक्ष्य के द्वारा उस
पर विजयी हुए, उस पर विजयी हुए। हाँ, अब हम बोले ये पाप किए, अब पूछ लो तुमने पाप किया। हाँ जी, मैंने पाप किया। तो अब बता, इसका गवाही किसका तरफ, मेरे तरफ है कि उधर है? जल्दी किसका तरफ गवाही है? मेरे तरफ है ना? ये तो स्वीकार की ना, बोली ना कि मैं पाप की बोल के। तो जब गवाही किसका तरफ है, मेरा फेवर में आया कि नहीं आया? मेरा फेवर में है ना, तो अब किधर जाएगी, मेरे साथ जाएगी कि उधर जाएगी, यीशु के साथ जाएगी? नहीं, मेरे तरफ आया, मेरा एक गवाह खुद बोले है ना, और ये खुद भी बोल दी कि हाँ हम पाप किए, तो गवाही तो मेरे पक्ष में है, तो किसके साथ में जाएगी? एक और एक तो दो हो गया, शैतान जीत गया। सही है, अब फिर से नहीं, रुक जा, एक मौका और, ले लिया, फिर से अच्छे से पढ़ा बार, और वचन को ध्यान से सुनो, पढ़ो। वे मेमने के रक्त, वे मेमने के रक्त और अपने साक्ष्य द्वारा, और अपने साक्ष्य द्वारा उस पर विजयी हुए, उस पर विजयी हुए। हम सोच के ठीक है, बोलो। हम बोले पाप किए, अब पूछ लो तुमने क्या पाप किया। हाँ, अब बोलो, जवाब सोच के आराम से। वचन के अनुसार सोच के बोलो, वचन के अनुसार। थोड़ा समय दीजिए, दूसरा कोई चांस लेगा, दूसरा कोई, कोई भी समझ गई, समझ गई है ना? नहीं समझ गई है। हाँ पूछ लो, मम्मी है क्या? हाँ पूछ लो। हालेलुया, थैंक यू जीसस। मैं बोल रही हूँ, प्रभु यीशु ने पाप क्षमा कर दिए हैं, तो अब ईश्वर पाप क्षमा कर दिए, तो ईश्वर के पास। तो आप गवाह सही से दीजिए तब ना, हम तो ये सवाल पूछा है तो आपको बोलना पड़ेगा ना। हाँ आप ही आइए है ना, वैसे ही बोलिएगा, अभी हम जैसे बोलेंगे, आप जैसे आप आए हैं इस लोक में, अब हम बोले कि पाप किए, अब पूछ लीजिए, पूछिए पूछिए। क्या तुमने पाप किया है? हाँ मैं पाप की थी, लेकिन प्रभु यीशु मेरे पापों को क्षमा कर दिए, कैसे क्षमा किए? अब मैं पवित्र लहू से। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आया समझ में? आया समझ में? आया समझ में? क्या समझ में आया? उसने पहले एक्सेप्ट किया, हाँ मैंने पाप किया, लेकिन प्रभु यीशु के पवित्र लहू से मैं मुक्त हुआ। वचन वही ना बोल रहा है, आप मेमने के रक्त और अपने साक्ष्य, जब तक वो अपना साक्ष्य नहीं दोगे तो तुम्हारा इसके साथ में, यीशु तो बोल रहा है कि हाँ हमने इसका पाप का दंड का भुगतान कर दिया है, इसका एक गवाह मेरा अपना गवाह कि इसने पाप किया है, ठीक है, लेकिन जब तक वो जो गवाह देने के लिए आया है, जो जिसको देना है, तो वो जब तक दो चीज़ बोला ना, मेमने का रक्त, प्रभु यीशु अपना पवित्र लहू बहा दिया है आपका पाप का मुक्ति के लिए, अब दूसरा क्या है, आपको गवाही देना है, आपको बोलना पड़ेगा कि हाँ हम पाप किए थे, लेकिन प्रभु यीशु का पवित्र लहू से हम क्षमा मिल गया, हमको मुक्ति मिल गया है। तो जैसे आप ये बोलते हैं तो वो क्या हो गया, दो गवाह हो जाते। हालेलुया, थैंक यू जीसस। बैठो, समझ में आया? हालेलुया, बैठो, समझ में आया ना? तो अब अपने जीवन का हर लड़ाई आपको यही दो चीज से जीतना है, मेमने के पवित्र लहू और अपने साक्ष्य के द्वारा। आया समझ में? मतलब जब आप स्वीकार करते हो है ना, क्या मैंने किया, लेकिन प्रभु यीशु के पवित्र लहू से मैं मुक्त पा लूं। समझ में आया कि नहीं आया? तो जब कभी भी आपको मुक्ति का जरूरत पड़ता है तो आपका अपना साक्ष्य बहुत जरूरी होता है। आपको बीमारी से चंगाई चाहिए तो आपका अपना साक्ष्य होना चाहिए, उसने तो कर दिया है, बोला ना मेमने के रक्त और अपने साक्ष्य द्वारा, तो मेमना का रक्त अपना तो बहा दिया है प्रभु यीशु का पवित्र लहू, लेकिन साक्ष्य किसको देना है, आपको देना पड़ेगा, तब जाकर के, इसीलिए तो बोलता है मुख से अंगीकार करो और हृदय से विश्वास करो। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस।
हालेलुया। आया समझ में कि नहीं आया? तो ऐसे क्या बोलते हैं, पवित्र आत्मा हमको क्या करता है, रिपेंटेंस की ओर ले जाता है, पश्चाताप की ओर लेके जाता है। हम लोग क्या बोलते उसको, मैं नहीं बताया था ना क्या वो जो बहन बोली थी कि पश्चाताप करो और सुसमाचार में सुविश्वास करो। क्या बोला? देखो देखो, पश्चाताप का मतलब क्या होता है? गलती को स्वीकार कर, क्षमा मांग लेना, गलती स्वीकार कर लेना, ये पश्चाताप हुआ। फिर बाद जाके फिर वही काम कर लेना। हाँ, तो इसीलिए तो पवित्र आत्मा शक्ति आपको देगा। हाँ, तो पवित्र आत्मा आपको शक्ति देगा। मैं बात को समझिएगा, आप जो बोल रहे हो, आप बोल रहे कि हम पवित्र आत्मा से शक्ति लेंगे, वो हमको शक्ति देगा कि हम अपना सोच को बदलें, ऐसा बोल रहे हो? ऐसे ही बोल रहे हो? ऐसे ही बोल रहे सिस्टर? ऐसे ही बोल रहे हो? है पश्चाताप का मतलब होता है अपना सोच को बदलना। और इस सोच को कैसे बदलोगे? परमेश्वर का शब्द से। देखो मेरा बात को समझिए, आप बोलोगे कि हम पाप नहीं करेंगे या मदद मांगेंगे पवित्र आत्मा से, है ना? पवित्र आत्मा भी आपको वही जगह मदद करेगा जब आपके अंदर में वर्ड है, वचन है, तभी ना आपसे बात करेगा। उससे बात करने का माध्यम कुछ दिखता है, वो आपको दर्शन में बात कर रहा है या फिर आपको वचन के माध्यम से बात कर रहा है ना? तो उसका माध्यम तो होना है ना। जब तक आपके अंदर में वचन नहीं रहेगा, शब्द नहीं रहेगा, तो आप कैसे बात करोगे, उससे कम्युनिकेशन कैसे करोगे? नहीं कर पाओगे ना। और आप रही बात बोलोगे कि हम पाप करना छोड़ देंगे, तो अगर आप ऐसा सोच चल रहे हो अपना दृढ़ निश्चय से, यानी अपना क्या बोलते हैं उसको, विल पावर से, कि हम कल से ये गलत काम नहीं करेंगे, तो आप दोबारा उसमें गिर जाओगे, गिरोगे, पक्का गिरोगे। क्यों गिरोगे बता दो, बता क्यों, पूछो तो क्यों गिरेंगे? इसलिए गिरोगे, फाइटर लोग लड़ते देखिए, बॉक्सर लोग दो फाइटर रिंग के अंदर में रहते हैं, है देखिए है। तो अगर मान लो कि एक फाइटर का यहाँ पे चोट आ गया है ना, ठीक है, और सामने वाला जान रहा है कि यहाँ पे उसको चोट लगा हुआ है, ठीक है, तो अगर लड़ने के लिए फिर दोबारा उतरेगा तो सामने वाला उसको कहाँ पे मारेगा? देखो दस तुरंत जवाब दिए, वही मारेगा जहाँ वो चोट खाया हुआ था। तो शैतान भी आपको वही जगह मारेगा जहाँ पर आप चोट खाए हुए थे, मतलब जहाँ पर आपका जो पुराना आदत है वहीं पे तुमको लेके जाएगा, तुम्हारा कमजोरी भी तुमको लेके जाएगा। शैतान का काम तुमको वही जगह, वैसे ही आपको लेके जाएगा, वही जगह पे आपको मारेगा, ठीक है। अब मान लो मेरी बीवी तो कभी नशा नहीं की है, कभी नशा, तो इसको क्या दारू का नशा क्या बोलते लालच देगा शैतान? नहीं देगा। हमको दे सकता है? यस, हमको दे सकता है, क्योंकि हम उस टेस्ट को जानते हैं। समझ गए बात को? समझे कि नहीं समझे? तो आपको वही जगह पे वो प्रलोभन देगा, वही जगह पे आपको बहलाएगा फुसलाएगा जहां पे आप गिरे थे। मान लो किसी को गंदा पिक्चर देखने का आदत है, ठीक है, और वो चाह रही है कि मैं आज के बाद ये नहीं देखूंगी, ठीक है, गलती से उसका हाथ में आ गया मोबाइल, ठीक है, घर में कोई नहीं है, मोबाइल खोल लिया, सड़क से उंगली अटक जाएगा, थोड़ा सा देख लेता हूँ, कोई नहीं देख रहा, आज भर थोड़ा सा देख, अच्छा 5 मिनट का, और वो गिर जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर वो सोच बदलता, सोच किससे बदलता, शब्द से, लिख लो और इसको ये बना लो अपना क्या बोलते हैं, हालेलुया, ये बहुत अच्छा चीज है, लिखो, शब्द सोच देता है, लिखो,
देखो शब्द सोच देता है। सोच कहां से आता है? सोच कहां से आता है? किससे आता है? मन से। अरे सोच कौन देता है? अभी क्या लिखवाया मैं? शब्द। अरे आदम का बगीचा में सब ठीक ठाक था कि नहीं था? मस्त में थे कि नहीं आदम और हेवा? थे कि नहीं थे? बहुत बढ़िया सब चीज चल रहा था, सुख शांति आनंद प्रेम ऐसी उसी कुछ का जरूरत नहीं था वहाँ। था का नहीं था? ना फैन को जरूरत था? नहीं था। मजे में थे कि नहीं थे? जहाँ मन तहाँ घूमते थे, उड़ंग जाते थे, फल खाते थे, पानी पीते थे, सब कुछ करते थे, करते थे कि नहीं? लेकिन जैसे शैतान आया तो उसको क्या दिया? क्या दिया? शब्द ना दिया। का बोला? अरे खा। हाँ हाँ जो भी है, अगर तुम इसको खाओगे तो तुम क्या हो जाओगे? ईश्वर के जैसे बन जाओगे। हालेलुया। तो हेवा में कहा गया दिमाग का बत्ती जरा, अरे हम ईश्वर के जैसे हो जाएंगे। उसको पता नहीं कि वो ईश्वर के जैसे बनाई गई है। तो सोच कौन दिया? शैतान दिया। लेकिन किससे दिया? शब्द से दिया। शब्द तो ईश्वर भी दिया था उसको, शब्द ईश्वर ने भी दिया था ना। क्या बोला था कि तुम पूरा बगान का फल, तुम पूरा बगान का फल खा लेना लेकिन इस पेड़ का फल मत खाना। दिया था कि नहीं दिया था? शब्द दिया था ना। लेकिन उस शब्द को वो आदम और हवा बनाए रखे नहीं। जैसे शैतान आया, शैतान ने अपना जान फेंका, ये दोनों फंसा, क्योंकि उन्होंने उनके शब्द को ले लिया। और जैसे ही उसके शब्द को लिया, कैसे लिया? सोच में, है ना। पाप कब हुआ था? फल खाया था उस समय। पाप कब हुआ? फल खाने के बाद ना। जैसे उसके सोच में आया परमेश्वर के विरुद्ध, वही समय पाप हो गया। और एक्शन जो होता है सोच के बाद आता है। इसलिए ना मैं बोला कोई बिना सोचे काम करता है क्या? नहीं। तो अपना सोच को बदलो, वही पश्चाताप। और सोच कैसे बदलेगा? वर्ड ऑफ गॉड। अच्छा उदाहरण दू? दू उदाहरण, अच्छा लगता है। बाल्टी में कचरा है, क्या है? क्या है? कचरा। अब वो कचरा को ले जाओ और नल के नीचे रख दो, ठीक है, और नल को चालू कर दो, टैप कर दो। अब क्या होगा? पानी भरेगा। पानी भरने के बाद कचड़ा ऊपर आएगा। एक घंटे के बाद कचड़ा बाहर। अब बाल्टी में क्या रहेगा? कैसा पानी? कचड़ा पानी कैसा रहेगा? अरे साबुन पानी, समझ लो सर्फ घोड़ा था। अब उसको रख दिया तुम ये में, क्या बोलते हैं, हाँ मेरे से बात करते हंसो कुछ बोल रहे थे आप? रखे हो साबुन पानी बाल्टी नल के नीचे, ऑन कर दिए, क्या होगा? थोड़ा देर बाद में पूरा सर्फ पानी बाहर हो जाएगा। अब क्या रह जाएगा? शुद्ध पानी, साफ पानी रह जाएगा ना, रहेगा नहीं रहेगा? हाँ। तो वैसे ही जब आप प्रभु का शब्द को ले रहे हो, बार बार उसको बोल रहे हो, विश्वास के साथ अंगीकार कर रहे हो, तो आपका अंदर में जो बुराई है, कचड़ा है, वो सब बाहर होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि आप वर्ड ऑफ गॉड को अंगीकार करो। अंगीकार करने से क्या होता है? विश्वास कर, वचन बोला ना 10-10 रोमन्स, है ना, मुख से अंगीकार करो, हृदय से विश्वास करो। तो बोलो बार बार, बार बार बोलो, बोलते रहो। वो अंदर का जो कचरा है उस सबको क्या करता है? बाहर करता है। आए समझ में कि नहीं आया? तो सोच को बदलना है ना। हाँ, एक्शन को, काम को नहीं बदलना है कि हम कल से ये काम, ये गलत काम नहीं करेंगे, वो गलत काम नहीं करेंगे। गलत काम, काम वो अपने आप बाय डिफॉल्ट बदलता है जब आप अपना सोच को बदलते हो। इसीलिए तो बोलता है प्रभु यीशु, इसीलिए बोला कि मूसा का संहिता बोलता है व्यभिचार मत करो, लेकिन यीशु क्या बोलता है कि तुम कोई स्त्री को बुरी नज़र से देखो ही मत। देखो, देख दिया तो तुमसे वहीं पर व्यभिचार हो गया। तो सोच में वो पाप हो, तो हमको सोच को बदलना है। हालेलुया। क्लियर हुआ? आप समझ में आया? अच्छा, सोच तो गंदा सोच तो आते रहेगा, रोक पाओगे इसको? रोक पाओगे?
है? हाँ, नहीं मैं वही बोल रहा हूँ कि सोच में तो गंदा सोच या आपको कुछ भी लुभावना सोच आ सकता है, तो उस सोच को रोक सकते हो? रोक सकते हो है? अच्छा एक बात बता, आपके ऊपर में चिड़िया क्या कर रही है? चिड़िया क्या कर रही है? उड़ रही है। रोक सकते हो? नहीं रोकोगे? नहीं बोल सकते हो है? रोक सकते हो है? नहीं ना रोक सकते हो? हाँ कह रुक लेगी। मैं बोला कि चिड़िया आपके सिर के ऊपर उड़ सकती है? उड़ सकती कि नहीं? उसको रोक सकते हो? नहीं रोक सकते हो? नहीं ना रोक सकते हो? लेकिन चिड़िया आपके सिर में कोथा बनाए उससे तो रोक सकते हो? कि उसको बनाने दोगे? नहीं। तो उसको तो रोक सकते हो ना, आपके सिर में कोथा ना बनाए बोल के। तो उसके लिए जरूरी क्या है आपको? वर्ड ऑफ गॉड को बोलना है ना? सोच को सोच से नहीं लड़ना है। सोच को अगर सोच से लड़ोगे तो आप फेल हो जाओगे, क्योंकि सोच जो होता है मजा देता है। क्या देता है? इंटरटेन करता है, मनोरंजन देता है, मजा आता है। अरे ऐसा होता है कि वहाँ जाते वहाँ ऐसा करते, अरे नहीं 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 वो खाते नहीं 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 अरे वो बोट में चलते नहीं 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 वो इंजॉय देता है सोच, ठीक है। लेकिन उस सोच को अगर आपको लड़ना है तो उसके लिए जरूरत होता है शब्द, ठीक है। क्या जरूरत पड़ता है? जब आप शब्द बोलोगे तो वो सोच को तुम गायब कर सकते हो। मतलब कि अगर आपके मन में चिंता हो रहा है, आपके मन में डर हो रहा है, आपके मन में भय हो रहा है, किसी प्रकार का अविश्वास आ रहा है, तो मुंह खोलो और परमेश्वर का शब्द को बोलना शुरू कर दो। जैसे ही आप बोलोगे वैसे ही आपका सोच क्या हो जाएगा? नहीं आपका उस अच्छा चलो प्रैक्टिकल करें। हाँ अब चलो, मन में आप लोग काउंट करो। क्या करो? क्या काउंट करोगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, सही है सबको ही है ना? लेकिन जैसे ही मैं कुछ बोलूंगा तो आपको भी मुंह खोल के बोलना पड़ेगा, ठीक है। मन में तो गिनती 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ऐसे गिनती चलते रहना चाहिए स्पीड में, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं कुछ शब्द बोलूंगा तो आपको भी मुंह से बोलना पड़ेगा। तैयार हो? गिनती चालू रखना है, रुकना नहीं है, लेकिन मैं जो बोलूंगा मुंह से उसको भी बोलना है, ठीक है, है ना? ये प्रैक्टिकल बता रहा हूँ कि आप लोग जब कभी भी ऐसा सोच आए, डर आए, भय आए, चिंता आए किसी कोई प्रकार का, तो मुंह खोल करके बोलो, ठीक है। तो अभी आप लोग क्या करोगे? मन में गिनती करोगे, मुंह खोल के गिनती नहीं करना, मुंह खोल के तो वही बोलना जो हम बोलवाएंगे, ठीक है। शुरू करें, स्टार्ट 1 2 3 गिनती शुरू करो। सब गिनती कर रहे हो ना? हालेलुया, धन्यवाद यीशु। अरे काउंट कंटिन्यू रखो मत भूलना। हालेलुया 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 थैंक यू जीसस। गिनती भुला गया ना? भूल गया है भाई। आप रुक गए और भूल भी गए, हुआ ना? हाँ, तो आपको सोच से अगर लड़ना है, देखिए मैं बताया ना, हर दुष्ट आत्मा एंट्री कैसे मारता है? आपका सोच से। आप ऐसा मत सोचना कि शैतान दो गो दांत बड़ा बड़ा निकला होगा, एक गो सींग निकला होगा, पीछे पूंछ निकला होगा, 4-5 पैर होगा और बहुत ही डरावना दिखेगा और वो तुम्हारे पास में आएगा, हम है डर का दुष्ट आत्मा, ऐसा बोलेगा क्या? नहीं, दुष्ट आत्मा जो है उसका कोई बॉडी नहीं होता है। आत्मा का बॉडी होता है क्या? अरे ईश्वर का बॉडी होता है क्या? ईश्वर का बॉडी है क्या? बाइबल में कहीं लिखा है? ईश्वर का शरीर है? ईश्वर का शरीर है? जल्दी टाइम खत्म हो रहा है। हाँ ईश्वर का शरीर है, है? क्या है? आवाज, आवाज,
ईश्वर आत्मा है और नो हालेलुया थैंक यू जीसस ठीक है हवा है ईश्वर क्या है आत्मा है लिखा है यौहन का सुसमाचार अध्याय 4:24 में मत जाना भैया उसमें हम नहीं बता रहे हैं ना बहुत लंबा हो जाएगा हम लोग कहाँ पे थे एडवोकेट में है ना और अभी बता रहे थे सोच के बारे में ठीक है हालेलुया थैंक यू जीसस हाँ तो हम क्या बताएं कि ईश्वर आत्मा है हाँ अच्छा ईश्वर ने हमको कैसा बनाया है हाँ दो लिखा हम लिखवा देंगे हाँ कैसा बनाया तो ईश्वर का भी हाथ पैर कान नाक मुंह है कि नहीं है आयो बोल रही है अभी बताए ईश्वर आत्मा फिर भी बोलती है हाँ तो अपने स्वरूप बनाए तो उस ईश्वर का भी शरीर है का हाथ पैर अरे येसु तो शब्द बन करके इस शरीर धारण करके इस संसार में आया मनुष्य बन के आया वो तो बता रहा हूँ वो कंप्लीट 100% मनुष्य बन के आ करके अपना काम करके गया वो ईश्वर का 1% गुण भी लेकर के यहाँ नहीं आया था वो जो कुछ भी किया वो यही पर रह करके किया है सिखाने के लिए वो बताने के लिए वो पृथ्वी का नहीं है वो स्वर्ग का है वो स्वर्ग से यहाँ आया था हम पूरे मानव जाति को बचाने के लिए क्योंकि हम पाप में सर्वनाश की ओर जा रहे थे तो वो बचाने के लिए आया ठीक है शरीर धारण करके आया हालेलुया लेकिन वो क्या है ठीक है तो अब बताओ हमको ईश्वर ने अपने जैसा कैसे बनाया बनाया कि नहीं बनाया अपने जैसा बनाया कि नहीं बनाया बनाया कि नहीं बनाया अपने जैसा बनाया कि नहीं बनाया बनाया ना कैसे आत्मा हमारे हमको आत्मा मिला कि नहीं मिला है अरे जो आत्मा ईश्वर का है वही आत्मा हम लोगों को भी दिया है हालेलुया थैंक यू जीसस समझ गए कि नहीं समझे ईश्वर ने अपना आत्मा हम लोगों को दिया इसीलिए तो हमारी आत्मा उससे बात करती है जब आप आत्मा में रहते हो लेकिन हम लोग आत्मा में थोड़ी चलते हैं हम लोग तो फ्लेश में चलते हैं शरीर में और फ्लेश में आत्मा से तुम जुड़ सकते हो सवाल है देखिए अभी समझ में आया कि नहीं आया अब मत बोलना कि ईश्वर अपने जैसा उसका भी हाथ पैर होगा ऐसा नहीं है उसने परमेश्वर ने हमको अपनी कैटेगरी में सोचो ये हम है तो यहाँ पे ईश्वर है ऐसा बनाया है वो ऐसा नहीं कि तुम नीचे और हम ऊपर ऐसा नहीं बनाया वो कैसा बनाया मेरे साथ मेरे जैसा एक समांतर पैरेलल में रखा है ऊपर नीचे नहीं रखा है इतना प्रेम परमेश्वर है इतना प्रेम करता है वो अपने लेवल में बनाया गॉड्स कैटेगरी में हो ईश्वर के क्या बोलते हैं उसको कैटेगरी समझ गए ना ईश्वर के जैसे बनाया कैटेगरी में उसके हिसाब हमको स्वर्गदूत का कैटेगरी में बनाया नहीं जानवर का कैटेगरी में बनाया नहीं किसका कैटेगरी में बनाया अपना कैटेगरी ईश्वर का कैटेगरी में बनाया सोचो लेकिन वो आत्मा में लेकिन आप जब आत्मा में चलोगे तभी आप उसके जैसा चलोगे किसके जैसा ईश्वर के जैसे अब मत बोलना कि हम ईश्वर है ईश्वर हम नहीं है लेकिन हम ईश्वर के जैसे हैं ठीक है हालेलुया हालेलुया हम ईश्वर नहीं है ईश्वर के जैसे हैं उसने हमको इस लेवल में बनाया और हम लोग क्या करते हैं अपना लेवल है डाउन कर देते हैं हालेलुया समझ रहे हैं दोस्तों हाँ तो ये है कि परमेश्वर ने हमको अपने कैटेगरी में बनाया ठीक है चलिए तीसरा पॉइंट में जाते हैं उसको हम लिखा देंगे अच्छा लिख लो सब सोच देता है शब्द सोच देता है शब्द सोच देता है सोच भावनाएं उत्पन्न करती हैं सोच भावनाएं उत्पन्न करती हैं भावनाएं एक्शन कार्य को उत्पन्न करती हैं भावनाएं कार्य को उत्पन्न करती हैं भावनाएं कार्य को उत्पन्न करती हैं भावनाएं कार्य को उत्पन्न करती है लिखे और कार्य आदत लाती हैं
कार्य आदत लाती हैं और ये आदत हमारा चरित्र निर्माण करती है, ये आदत हमारा चरित्र निर्माण करती है, ये आदत हमारा चरित्र निर्माण करती है और ये चरित्र हमको हमारे डेस्टिनेशन प्लेस मतलब हमारी मंजिल तक पहुंचाती है, हमारी मंजिल में को पहुंचाती है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। अब ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। आपने जो लिखा है ना उसी को देखना, मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना, ठीक है। जब हम ईश्वरीय शब्द को लेते हैं तो हमें होता है ईश्वरीय सोच, ठीक। और जब हमें ईश्वरीय सोच होता है तो हमें उत्पन्न होता है ईश्वरीय भावनाएं, ठीक है। और जब हमें ईश्वरीय भावनाएं होती हैं तब हम कार्य करते हैं ईश्वरीय कार्य, और जब हम ईश्वरीय कार्य करते हैं तो हमें होता है ईश्वरीय आचरण, आदत आता है। और जब हमें ये आदत आ जाता है अब हमारा करेक्टर कैसा होता है, ईश्वर के जैसे, ईश्वरीय कैटेगरी में। अब जब हमारा चरित्र जो है, करेक्टर जो है ईश्वर के जैसे होता है, अब हम अपने ईश्वर से मांगते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। अब इसी को उल्टा कर दो, जब हमारा शब्द संसार का होता है कि नहीं होता है, संसार भी तो आता है, वहां से भी तो शब्द आता है। अब जब हम संसारिक सोच में रहते हैं, शब्द को लेते हैं तो हमें आता है संसारिक सोच, ठीक है। अब देखिए हम गंदा पिक्चर ऐसे करके तो क्या आएगा, गंदा सोच, सही है, सही है। टीवी देखते हो, देखते हो, देखते हो, अब मत देखता, हालेलुया, हालेलुया, ठीक है। जब आप कुछ भी चीज को देख रहे हैं तो आप में आता है क्या, संसारिक सोच। टीवी देखोगे, टीवी में वही नंगा धड़ंग सब ये सब तो चलता है, कहाँ चलता है, हालेलुया, थैंक यू जीसस। आप उसको देखोगे तो आप में क्या आएगा, गंदा सोच। गंदा सोच क्या करेगा, गंदा भावनाएं आपका उत्पन्न करेगा, गंदे भावनाएं क्या उत्पन्न करेगा, आपका गंदा कार्य को उत्पन्न करेगा। गंदा कार्य आप करोगे तो क्या होगा, आप क्या जाएंगे, गंदा करेक्टर आएगा, आदत आएगा, आप गंदा चरित्र हो जाएगा, आया समझ में। अब एक सवाल सुने ना ध्यान से सब कुछ, चलो एक सवाल, अब बताओ तुम्हारा भविष्य ईश्वर के हाथ में है कि तुम्हारे हाथ में है। कौन कौन ईश्वर के हाथ में है, हाथ उठा। अरे ये तो डरने वाले नहीं बात नहीं है, जल्दी करो, एक ऑप्शन और बचा हुआ है। और कौन बोलता है कि आपका भविष्य आपके हाथ में है? पूरे करो ना, ऐसे बताओ किसका भविष्य ईश्वर के हाथ में, पहले हाथ उठाओ, अभी सबको उठाओ, या तो आर्य पा किसका भविष्य ईश्वर के हाथ में और किसका भविष्य अपने हाथ में, उठाओ, पूरा उठाओ, ढंग से उठाओ। और कौन नहीं उठाया बताओ, अभी भी बहुत को नहीं उठाया। देखो अगर आप बोलोगे कि मेरा भविष्य ईश्वर के हाथ में है तो आप गलत हो जाओगे, क्योंकि परमेश्वर ने आपको स्वतंत्र बनाया है, ठीक है। अब यहाँ से आप बाहर निकलोगे और किसी को खींच के एक झापड़ मार दोगे, पुलिस आएगा आपको अंदर कर देगा, आप बोलोगे प्रभु ये तो आपकी मर्जी थी, मैं अंदर हो गया है, आप अंदर करवा दिए, मेरा तो इच्छा नहीं था, लेकिन आपने जो काम किया तो वो तो आप अपना ही से किया ना, तो आपका भविष्य किसके हाथ में, खुद के हाथ में। आदम और हेवा का भविष्य का हाथ किसमें था, उसका भविष्य कौन बर्बाद किया, आदम और हेवा का, शैतान, शैतान ही है ना। अरे हम बोले आदम और हेवा का भविष्य खराब हुआ तो उसका जिम्मेवार कौन है, शैतान है कि ईश्वर है कि खुद लोग है, खुद लोग है ना, खुद ही ना है। ईश्वर भी सब दिया था कि तुम मत खाओ, शैतान आया वो भी सब दिया खा लेना, वो क्या किया, शैतान का शब्द को ले लिया। अब जैसे शैतान का शब्द लिया आप क्या होगा, जैसा आप निर्णय लोगे, जैसा आप ये करोगे वैसे ही आप रिजल्ट पाओगे। हालेलुया, आया समझ में, हाँ। तो अब भविष्य परमेश्वर के हाथ में नहीं है,
आपका भविष्य आपके हाथ में। परमेश्वर तो आपको इतना मस्त सुपर नेचुरल लाइफ दिया है कि तुम इंजॉय करो। हालेलुया, थैंक यू जीसस। कितना टाइम हुआ? अच्छा ठीक है, दो तीन पॉइंट बचा है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो दो 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 हो गया ना, तीसरा आइएगा, तीसरा पवित्र आत्मा हमारा इंटरसेसर है। इंटरसेसर, पहला क्या बताया था? कंफर्टर। दूसरा क्या बताया? एडवोकेट। अभी तीसरा क्या बताया? इंटरसेसर। इंटरसेसर मतलब मध्यस्थता, मध्यस्थ करने वाला, हमारा मध्यस्थ करने वाला। किससे? 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 ईश्वर से ना, ईश्वर के से हमारा क्या करता है? वो मध्यस्थता करता है। निकलाओ वचन, निकलाओ रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 8 पद संख्या 26-27 पढ़िए। आत्मा भी हमारी दुर्बलता में, हाँ आत्मा भी हमारी दुर्बलताओं में, बोलो 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 बोलो, हमारी सहायता करता है। हमारी सहायता करता है, कौन सहायता करता है? हालेलुया, पवित्र आत्मा। हालेलुया, हाँ आगे। हम यह नहीं जानते कि, हम यह नहीं जानते कि हमें कैसे प्रार्थना करनी चाहिए। हम लोग जानते हैं, जानते हैं, हम करते हैं, करते कि नहीं करते हैं? आत्मा में प्रार्थना की हो कभी? देखो आत्मा अगर आपका प्रार्थना करता है तो एकदम परफेक्ट प्रार्थना करेगा, ठीक है। अब बोल रहा है आत्मा ही क्या बोलता है? दुर्बलताओं को, हमारी दुर्बलता। अरे हम लोग के अंदर में दुर्बलताएं हैं कि नहीं है? काका है क्या है? हाँ नहीं है? हाँ तो क्या क्या बताओ? आप जानते हो, आप जानते हो आपके अंदर में जो दुर्बलता है उसको जानते हो? आप लोग जानते हो, जानते हो आपके अंदर दुर्बलता है उसको जानते हो? नहीं जानते। आपको आपकी दुर्बलताएं भी, आपको क्या लगता है कि मैं ठीक हूँ, लेकिन आत्मा जानता है कि आपके अंदर में क्या दुर्बलता है, और उस दुर्बलता के लिए वो क्या करता है? मध्यस्थ प्रार्थना करता है। समझिएगा बात को, आदमी नशा में रहता है तो वो दिखाई देता है कि ये नशेड़ी है, ये नशा करता है, ठीक है, ये उसका कमजोरी है, ये उसका दुर्बलता है, लेकिन आदमी के अंदर में जो दुर्बलता है उसको वो खुद भी स्वीकार नहीं करता है, लेकिन आत्मा जानता है कि इसके अंदर में क्या कमजोरी है, क्या दुर्बलता है। तुम्हारा दुर्बलता तो तुमको ऐसा लगेगी, अरे वाह मैं तो ठीक है, हम कहीं हम गलत ही नहीं है, हम सही है, पता ही नहीं होता है, पता है ना? नहीं हम तो सही हैं, हम तो कभी गलत, लेकिन आपको पता नहीं कि आपके अंदर में क्या दुर्बलता है, क्या कमजोरी, क्या गलत कर रही हूँ, लेकिन ईश्वर आत्मा जानता है, पवित्र आत्मा जानता है कि तुम्हारे अंदर में क्या गलती है। इसीलिए परमेश्वर बोलता है, यीशु भी बोलता है कि आत्मा और सच्चाई में ईश्वर की आराधना को चाहता है। बोलता है ईश्वर सच्चे आराधक को चाहता है। सच्चा आराधक कौन? जो आत्मा और सच्चाई में करता है। समझ गए? ये चीज को समझ लो, सच्चा आराधक वही है जो आत्मा और सच्चाई में ईश्वर की आराधना करता है। अब आत्मा और सच्चाई दोनों चीजें, ठीक है, आत्मा मिला है, सच्चाई वो भी मिला है। हालेलुया, सत्य कौन है? कौन है सत्य? आदि में सब था, सब ईश्वर के साथ था, और सब ईश्वर था। फिर 14:6 क्या बोलता है? मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं, मतलब ये शब्द और आत्मा, पवित्र आत्मा दोनों मिला हुआ है। तो ये दो से आपको प्रार्थना करना, वही सच्चा आराधक है, उसी को ईश्वर चाहता है कि ऐसा होना चाहिए। योहन 4:24 4:24 हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। हाँ पढ़ो, ईश्वर आत्मा है, ईश्वर आत्मा है, उसके आराधकों को चाहिए, उसके आराधकों को चाहिए कि वे आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें, उसकी आराधना करें। सुन लो, ऐसा नहीं होता, आराधना ऐसे नहीं होता कि बहुत शानदार म्यूजिक चल रहा है, झंग झगड़ा, ठीक है,
और बहुत मस्त एकदम ड्रम सेट चल रहा है ना, और बहुत एकदम क्या बोलते हैं एकदम अच्छा साउंड सिस्टम लगा करके एकदम बहुत जोरदार एकदम वर्शिपिंग चल रहा है, ठीक है ठीक है, और आपका मन को बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन मैं बात बताऊं, ईश्वर आत्मा और सच्चाई का आराधक होता है, ठीक है, वो कितना अच्छा कितना साउंड सिस्टम कितना ये लगा ले, ठीक है, लेकिन अगर उसके आराधना में सच्चाई और आत्मा नहीं है ना, तो वो तुमको बाहर बहुत अच्छा लगेगा, वाओ क्या म्यूजिक है, क्या जबरदस्त साउंड क्वालिटी, सिंगर सब चीज ठीक है, बाहर निकलेगा वाओ बहुत अच्छा लगा बहुत अच्छा लगा, और लाइफ फिर वही वैसे ही वही ढर्रे में। लेकिन अगर जब आदमी के अंदर में एक भी शब्द अंदर में हृदय में पवित्र आत्मा उसको एक तो शब्द देता है ना हालेलुया, तो एक शब्द मिला, वो एक ही शब्द में वो ईश्वर का सच्चाई के साथ में आत्मा के साथ में आराधना कर सकता है। आप बोलोगे हमको बहुत अच्छा लगा बहुत अच्छा म्यूजिक था, अरे भाई तुम ईश्वर का आराधना कर रहे हो, तुम खुद को मजा करने के लिए आए हो है कि नहीं, होता ही नहीं होता है? आप खुद को मजा करने आए हो क्या, अरे हमको बहुत अच्छा लगा म्यूजिक बहुत अच्छा, नहीं आप आए हो परमेश्वर का आराधना करना, आप परमेश्वर को खुश करोगे कि अपने को खुश करोगे, परमेश्वर को खुश करना, परमेश्वर खुश करने का तरीका क्या है, आत्मा और सच्चाई, और आत्मा पवित्र सच्चाई सब लो, इन दोनों से करो ईश्वर का आराधना। आपको बोले हम तो गाना गाने नहीं जानते, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप गाना गाने नहीं जानते हो, आप बोलने जानते हो, देखो कौवा को बोलता है कितना बेसुधा है, लेकिन जानते हो वो कौवा बहुतों का जान भी बचा देता है कि नहीं, जब जंगल रहता है देखता उधर शेर आ रहा काव करके चिल्ला दे सब जानवर में भाग जाएगा, लेकिन कोयल का बात को सुनते सुनते कोई बेहोश भी हो जाएगा वहीं पे और आएगा उधर से हालेलुया। तो ऐसा मत समझो कि क्या बोलते हैं कौवा बेकार है ना, कचड़ा सबको भी वही खाती है, खाती नहीं खाती हालेलुया, थैंक यू जीसस। मैं बस एक बात को बता रहा हूँ कि कौवा बेसुधा है लेकिन अच्छा है ना, वो जीवन देता है बचा देता है हालेलुया, जीवन नहीं देता लेकिन बचा जरूर देता है किसी का जीवन हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो ये हो गया इंटरसेसर, समय मेरे पास में थोड़ा सा कम है इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी भाग रहा हूँ, ठीक है ठीक है, पहले बोल दिया तो 7 बजे तक रुक देता कर देता था, हालेलुया थैंक यू जीसस। क्या लिखिए अभी इंटरसेसर ना, चलिए अब चौथा लिखिएगा काउंसलर, क्या लिखोगे काउंसलर मतलब परामर्शदाता, परामर्श देने वाला, ठीक है परामर्श क्या है देने वाला, जाइएगा इर्मिया, हाँ बोलिए इर्मिया जेरेमिया अध्याय 33 पद संख्या 3 जल्दी, हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु, बोलो बोलो हाँ पढ़िए, यदि तुम मुझे पुकारोगे, यदि तुम मुझे किसको ईश्वर को, हाँ चलो तो मैं तुम्हें उत्तर दूंगा, हाँ और तुम्हें वैसी महान तथा रहस्यमय बातें बताऊंगा जिन्हें तुम नहीं जानते, जिन्हें तुम कौन बोल रहा है ईश्वर का सब वचन बोलता है, क्या बोल रहा है यदि तुम मुझे किसको पुकारोगे, किसको पुकारोगे हैं, हम लोग किसको पुकारते हैं, हम लोग सबसे पहले किसको पुकारते हैं, कुछ हो जाता है तो सबसे पहले किसको पुकारते हैं हैं हैं, नहीं सबसे पहले मोबाइल खोजते हैं, अरे जो होता है वो मैं बता रहा हूँ प्रैक्टिकली, सबसे पहले मोबाइल ढूंढते हैं, कहाँ है मेरा मोबाइल, हाँ ये फलना को लगाओ, इलाज है अगर मान लो कोई बीमारी है या कुछ भी है ये फलना डॉक्टर को लगाओ फोन लगाओ, सबसे पहला क्या करते हैं हम फोन खोजते हैं, फोन के बाद संबंधित व्यक्ति को खोजते हैं कौन है, हाँ लगा फोन बात किया, हाँ हेलो हाँ ये है प्रॉब्लम
वो बोलेगा हाँ ये करूँगा, और अरे तुमको ये तुमको ले डूबेगा, तुम्हारा पैसा जाएगा, तुम्हारा ऐसा ऐसा वैसा वैसा ले, और वो और बहुत सारा दो चार और बात मिला के बता देंगे, ठीक है। आप किसके पास गए? फोन अ फ्रेंड करते हैं ना, करते कि नहीं करते? फ्रेंड लोग भी अच्छा अच्छा सलाह देता है, देते कि नहीं देता है? है? और जब सब तरफ से मार खा लेते हैं तब लास्ट में आते हैं प्रभु बचा दो, पैसा खत्म, सब कुछ खत्म, अब आखिरी प्रभु हमको बचा लो। लेकिन प्रभु का वचन बोलता है सबसे पहले तुम क्या करो, बोलता है मेरे को यदि तुम मुझे पुकारोगे किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में वो तुमको जवाब देगा। पवित्र आत्मा आपके साथ में रहता है। आप बोलो तो सही, मैं मार्केट जा रही, मेरे साथ में चलना होली स्पिरिट बोल के देखो, है ना। पवित्र आत्मा आज मैं खाना बना रही हूँ, मेरे साथ में रहना। कौन जानता है कि दुर्घटना होने वाला था लेकिन पवित्र आत्मा आपको दुर्घटना से बचा रहे, कौन बोल सकता है? होता ही नहीं होता है। अरे कितना सिलेंडर फट जाता है कभी कभी, है कि नहीं? लेकिन जब आप परमेश्वर को पुकारते हैं वो कार्य करता है, वो आपको दिखाई नहीं देता है लेकिन वो अपना कार्य करता है। वही तो विश्वास है कि जब आप जो चीज़ दिखाई नहीं देता है वो चीज़ को आप परमेश्वर से करते हैं। हालेलुया, समझ में आया कि नहीं आया? तो सबसे पहले हमको क्या पुकारना है? ईश्वर को। पवित्र आत्मा आपको बताएगा, जैसे ही आप किसी परेशानी में प्रॉब्लम में फंसते हैं होली स्पिरिट आपको बताएगा कि तुमको ये करना, तुमको वो करना। लेकिन उसके लिए आपको पवित्र आत्मा के साथ में रिलेशन बनाना पड़ेगा, रिश्ता। आप रिलेशन बनाए हो कभी? बनाए हो ईश्वर से कभी रिलेशन बनाए हो, रिश्ता बनाए हो? हैं, बनाए हो? नहीं, फेल हो गया। बनाए कैसे? बनाए कैसे? बनाए प्रार्थना तो करते हैं, नो डाउट सिस्टर, लेकिन लेकिन वो जो बोलता है कि तुम पहले हमको खोजो, हमको ढूंढो बोलता है, लेकिन हम उसको पहले कहाँ ढूंढते हैं? अगर हमारा उसके साथ में रिलेशनशिप बहुत अच्छा है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? प्रभु को देखेंगे। आदत बना लो बाइबल देखने का, कि प्रभु क्या बोलता है इसमें, देखते हैं वचन। अब तो ऐसा होगी कि गूगल भी आप मार दोगे ना तो तुमको वचन निकाल के दे देगा। हाँ, दो चार इंग्लिश वर्ड लिख दे, बाइबल वर्स ये लिख दे, है ना। नहीं पढ़ता तो ठीक है सिस्टर, हम तो बोले कि नहीं पढ़ता, हम तो कि हम तो बोलते हैं कि आप लोग हमसे ज़्यादा जानते हैं बाइबल। सच बता रहा हूँ, मैं को उतना ज़्यादा नहीं, लेकिन मैं जो अपना प्रैक्टिकली लाइफ में मैंने जो ये किया है उसी को मैं शेयर कर रहा हूँ। बाइबल तो हमसे ये भाई भी ज़्यादा जानता है, ये भी पढ़ता है, लेकिन बात ये चीज़ होता है कि उसका प्रैक्टिकली जो अपन जब तक लाते हैं, है ना, वो नहीं होता, हम उसमें जीते नहीं, और वही हमको जीना है। जब हम जिएंगे तभी हम बाइबल के अनुसार, वचन के अनुसार हम लाइफ जी रहे हैं, है ना। ये तो बाइबल जान लो, रट लो, सब चीज़ कर लो, लेकिन वो बाइबल आपको कोई फायदा नहीं, आपको कुछ नहीं कर सकता। लेकिन आप एक दो वचन को भी सही से जान गए, उसमें आप जिए हैं, है ना, तो वो टेस्टिमनी आपका जीवन को बदलता है। ये बाइबल तो एक पर एक इंस्टीट्यूट है, आप पढ़ लो सीख जाएंगे बाइबल, कोई बड़ा चीज़ थोड़ी, रट लेगा, क्विज में पास भी हो जाएंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्विज भी होता है, उसमें भी प्राइज जीत लेंगे। लेकिन बात ये चीज़ होती है कि हमारा जीवन क्या है। ये बाइबल ईश्वर का शब्द है और वो शब्द हमारे भ्रांत धारणाओं का खंडन करता है और हमारे जीवन में सुधार लाता है और वो शिक्षा देता है जो हमको ईश्वर के मार्ग में लेकर चलता है। ये है बाइबल और हमको यही करना है, है ना। नहीं तो अभी सुन लिए, यहाँ से बाहर निकल जाओ, भूल जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, है ना। लेकिन अगर आपने रख लिया अपने हृदय में और आपने निर्णय ले लिया कि हमको बदलना है, अपने आप को बदलना है, ज़्यादातर क्या करते हैं, दूसरे को बदलने की कोशिश करते हैं ना। हमको दूसरे को, हम बदल सकते हैं दूसरे को, बदल सकते हैं हम दूसरे को, बदल सकते हैं कभी नहीं। और अगर हम दूसरे को बदलने की कोशिश करें तो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। हाँ, अगर वही टाइम को हमको अपने में बदल लिया तो वो अपने आप बदल सकता है, हम नहीं जानते कैसा। लेकिन परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर का शब्द ऐसे ही काम करता है। थैंक यू जी। हम तो बोल देंगे, विनती प्रार्थना बोल देंगे, हाँ बोल देंगे, हर कोई करता है, हमसे ज़्यादा करता है। लेकिन बात ये चीज़ होता है कि क्या हम जो प्रार्थना कर रहे हैं क्या हम उस वचन में जीते हैं, ये मैटर है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। ये हो गया इंटरसेसर, सॉरी कंसेलर होगा। आगे जाइएगा,
दो पॉइंट है बस। स्ट्रेंथनर शक्ति देने वाला, शक्ति देने वाला। तो ईश्वर पवित्र आत्मा है ना हमको शक्ति देता है, देता है कि नहीं देता है? देता है। कैसे, क्या चीज में देता है शक्ति? क्या चीज में? बहुत मस्त एग्जांपल दूंगा अभी एक बार। हालेलुया, थैंक यू होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। प्रातः और दूसरी चीज में शक्ति नहीं चाहिए। हालेलुया, थैंक यू। अच्छा, तो हमको शक्ति देता है, पावर देता है। कौन? पवित्र आत्मा। सही है, सही है कि नहीं? सही है, सही है। अच्छा, बड़ा गाड़ी देखिए, बड़ा गाड़ी देखिए, ट्रक व्रक हाईवे वाइवा देखिए, पंचर हो जाता है तो गाड़ी चलती है? नहीं। खड़ी हो जाती है? तो पंचर बनाते हुए कभी देखिए हम लोग? अच्छा, क्या क्या पार्ट होता है ये तो पता है, क्या क्या होता है? टायर और टायर और ट्यूब। टायर और कौन मजबूत होता है? टायर की ट्यूब। हार्ड कौन होता है? टायर ना होता है और ट्यूब दोनों कैसे होगा? ये ट्यूब अंदर में रहता है लेकिन मजबूत कौन है? टायर की ट्यूब। टायर कड़ा रहता है, हार्ड रहता है, ट्यूब सॉफ्ट रहता है, सही है। लेकिन बल कौन देता है? ट्यूब देता है। किसको देता है? देखो अभी वो मैं बोला कि ट्यूब सॉफ्ट होता है लेकिन बल कौन देता है? ट्यूब। किसको देता है? टायर। टायर हार्ड होता है फिर भी लेकिन बल किससे ले रहा है? ट्यूब से। ट्यूब दिखाई देता है? ट्यूब दिखाई देता है? दिखाई देता है ट्यूब? आत्मा दिखाई देता है? शरीर दिखाई देता है? हाँ। और आत्मा कहाँ है? तुम्हारे अंदर। ट्यूब दिखाई देता है? नहीं। दिखाई देता है? आत्मा दिखाई देता है? नहीं। आत्मा कहाँ है? तुम्हारे अंदर। और अगर आत्मा को तुम मजबूत करोगे तो शरीर को बल देगा कि नहीं देगा? तो आप मजबूत किसको करते हो? यही पे तो मार खा रहे थे। आत्मा पंचर हो गया तो फिर बॉडी काम नहीं करता है। हाँ तो वही तो मैं बोल रहा हूँ। तो आत्मा का भोजन क्या है? लेकिन हम वचन सुनते पढ़ते कम, प्रार्थना ज्यादा करते। हमको प्रार्थना में कोई ये नहीं है। प्रार्थना तो हमको दिन भर करना चाहिए। आपका लाइफ स्टाइल ही प्रार्थनामय होना चाहिए। ये होता है प्रार्थना का मतलब, ये होता है कि आपका लाइफ ही स्टाइल ही प्रार्थनामय होना चाहिए। ठीक है, हम ये नहीं बोल रहे लेकिन हम बात को जो समझा रहे, प्रार्थना आप कर रहे हो लेकिन उस प्रार्थना में विश्वास नहीं हो रहा। विश्वास इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि आप प्रार्थना यहाँ से नहीं कर रहे हो। आप प्रार्थना कर रहे हो अपने सेंसेस से, जो आपको दिखाई देता है, जो आपको सुनाई देता है, जो इसको आप छू सकते हो, उसके लिए आप प्रार्थना। तो आपका प्रार्थना क्या हो गया? सेंस पे आधारित हो गया, समझ गए। लेकिन अगर आप प्रार्थना यहाँ से करते हो, वचन से लेके करते हो, ठीक है, वचन से लेके करते हो, आत्मा मजबूत होता है। मतलब आत्मा जब अंदर से मजबूत होता है तो वो हमको बल देता है बॉडी को। तब आपको जो चाहिए ना वो सब मिलता है। तो खाना कितना बार खाते हैं दिन में? पूरा दिन में चार बार, सुबह दोपहर शाम रात चार। नहीं नहीं उतना आगे मत जाओ, चार तक चलो, उतना तो छोड़ देता है प्रभु, उतना नहीं। लेकिन बात ये चीज है कि आप वचन कितना खाते हो? नहीं खाता है। देखो बात को समझो, अगर आप देखो आप खाना खाओगे है ना, खाना खाओगे खूब, क्या होगा? निकलेगा नहीं निकलेगा? निकलेगा नहीं निकलेगा? पेट निकलेगा ना भाई? फैट निकलेगा कि नहीं निकलेगा? हानिकारक है कि लाभदायक है? हानि हो जाएगा आपके लिए, हानि है ना, मोटा पाएगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। लेकिन वचन में बहुत अच्छा चीज़ है कि इसको तुम जितनो खाओ, जितनो ओवर ईट करो, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बल्कि फायदे ही फायदे हैं। क्योंकि अगर आप जितना आत्मा को वचन से खिलाते जाते हो, आत्मा भरते जाता है, ओवरफ्लो होता है, तो अगल बगल दाया बाया सब में प्रभाव करता है।
है ना, आपका विश्वास दूसरों के लिए भी वो कार्य करना शुरू कर देता है। जहां जाओगे वहां प्रभु का महिमा आपको दिखाई देता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। क्लियर हो? थैंक यू जीसस। तो आखिरी हम लोग चलते हैं, ये कितना हो गया, स्ट्रेंथनर हो गया ना, प्रेज़ गॉड, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। हाँ, आखिरी है स्टैंड बाय, मतलब सपोर्ट, 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 सहारा, ठीक है। अब आज एक बात बताओ, आप लोगों के दोस्त हैं, है कि नहीं है? बहुत सारे दोस्त हैं, कुछ तो होंगे ना, 10, 12, 15, 20, 25 तो होंगे, है कि नहीं है? ठीक है, कोई एक दोस्त होता होगा आपके साथ खास, जिसको आपके साथ तो बहुत ये रहता है, होता ही नहीं होता है? बेस्ट फ्रेंड। अब उस बेस्ट फ्रेंड के साथ आप बाथरूम एक साथ में जा सकते हो? जा सकते हो? है, सिंहासन में बैठ सकते हो उसको साथ में जा करके? नहीं ना, नहीं ना बैठ सकते हो, नहीं। लेकिन पवित्र आत्मा उस समय भी आपके साथ रहता है। वाओ, प्रेज गॉड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। वो उस समय भी एक पल के लिए भी नहीं छोड़ता, वो एक पल के लिए भी आपको नहीं छोड़ता है। आप बाथरूम में हो, नहा रहे हो, धो रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, पोटी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वो आपके साथ में वहाँ भी रहता है। ये तो और उसमें तो और अच्छा अच्छा रेवलेशन मिलता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो सोचो ऐसा सपोर्ट पवित्र आत्मा, जब आप उसके साथ में रिलेशन में आते हो तो सोचो वो कैसे आपका सहायता करता है, वो हर वक्त आपके साथ में रहता है। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। क्लियर हुआ? मतलब ऐसा सपोर्ट जो आपको कभी किसी भी क्षण में नहीं छोड़ता है। तो आप ऐसा कभी मत सोचना कि मैं क्या बोलता हूँ, प्रार्थना सिर्फ यही क्या बोलते हैं चर्च में ही आके करूँ, या सिर्फ मैं घर में ही कर सकता हूँ, ऐसा कहीं नहीं। आप जहाँ चाहो, जहाँ खड़ा हो वहीं पे आप प्रार्थना कर सकते हो, वहीं पर आप परमेश्वर के साथ रिलेशन में आ सकते हो, उसके साथ रिश्ते में। और इसीलिए बोलता भी है प्रभु यीशु, वही यूहन्ना का सुसमाचार में आप चैप्टर 4 में जहाँ पढ़ेंगे, जहाँ पर वो बताता भी है उस समारिटन वुमन को, समारी स्त्री को बताता है क्या ये, कि तुम जहाँ कहीं भी खड़ा होगे वहाँ पर तुम प्रार्थना कर सकते हो, तो वहाँ तुम ईश्वर की आराधना कर सकते हो। तो ईश्वर का आराधना करने के लिए कोई समय, कंडीशन, कोई स्थिति, परिस्थिति की कोई आवश्यकता नहीं है। जब आप उसके साथ में रिलेशन में होते हो तो आप हर वक्त उसके साथ जुड़े होते हो, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के वचन के माध्यम से। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ये यूट्यूब में भी आएगा, मैं अगर आप लोग चाहेंगे तो लिख लीजिए लिंक को, JCILM। हम लोग का डेली क्या बोलते हैं उसको, बाइबल क्लास भी होता है डेली 8:30 से 8:30 और दोनों टाइम में रोजरी प्रेयर भी होता है, लेकिन इसमें हम लोग वचन के माध्यम से करते हैं, वचन जूम में होता है सिर्फ। JCILM स्पेस करके हिंदी लिखिएगा, HINDI, JCILM हिंदी कीजिएगा, ठीक है। अभी मेरा एक दो वीडियो भी डाला होगा, ठीक है, और भी वीडियोस आएगा इसमें। हम लोग का, हम लोग दो ही जन नहीं है, और भी टीचर ग्रुप्स हैं, वो लोग भी टीचिंग करते हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों का ये क्या बोलते हैं उसको, यूट्यूब लिंक है, हाँ यूट्यूब लिंक है, और इसमें भी आएगा ये भी, जो हम लोग जो भी किए हैं इसको भी हम अपलोड करेंगे, है ना, और कल या परसों में जब भी हम करेंगे कर देंगे। लेकिन जरूर हो सकता है कभी 2 हफ्ता भी टाइम लग जाएगा, 1 हफ्ता भी लग जाएगा, लेकिन वीडियो जरूर आएगा, क्योंकि मेरे यहाँ पर नेटवर्क का इश्यू है, ठीक है। एक जूम लिंक भी लिख सकते हैं आप लोग, अगर आप लोग चाहोगे तो जूम में डायरेक्ट आ सकते हैं। अब जूम में क्या है कि आप सवाल पूछ सकते हैं, यूट्यूब में सवाल नहीं पूछ सकते क्योंकि आप सुन सकते, जूम में आप डायरेक्ट सवाल पूछ सकते हो, है ना, बात कर सकते हो, कहने मतलब वो है। तो जूम का आईडी लिख लीजिएगा, उसमें पासवर्ड का जरूरत नहीं है, जूम ऐप को डाउनलोड करना प्ले स्टोर में जा करके जूम, है ना, और उसके बाद आईडी मैं दे रहा हूँ, आईडी को डालना, पासवर्ड का जरूरत नहीं पड़ता है, आप लोग एंट्री मिलेगा उसमें। हम लोग डेली 8:30 बजे से
दस बजे तक का क्लास देते हैं हम और ये मेरे भाई, ज़्यादातर तो इन्हीं का रहता है। आईडी लिख लीजिएगा, जूम आई डी 3943 9331 331 336 हालेलुया। इनका नंबर लिख लीजिएगा, मेरा नंबर तो हम जल्दी नहीं उठाते हैं क्योंकि हम ऑफिस में रहते हैं, ठीक है। 7974 7974 7974 ठीक है। 8596 7974 8596 50 50। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो हाँ, आप लोगों को समझ में आया।